सबसे पहले तो मैं 2019-20 बैच क्लासरूम स्टूडेंट था। कालूसराय में मेरी क्लासेस लगते थे, मेडिजी में। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। तो मैं अपने कुछ रिजल्ट्स बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग मेरी बातों को थोड़े और ध्यान ध्यान से सुने। तो मेरा ESE 2020 में AIR 1, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद बार्क में सेलेक्टेड, इसरो सेलेक्टेड, DMRC सेलेक्टेड एंड CIL सेलेक्टेड एंड वन मोर IOCL सेलेक्टेड। ऑल आर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, देर आर टू मोर एग्जाम्स, LMRC एंड LMRC नॉट सेलेक्टेड। सो दीज आर माई सम रिजल्ट। यू कैन लिक ऑल आर माई वाई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। सो ये सब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में। मेरा पूरा नाम गौरव कुमार वर्मा है और मैं यूपी से कासगंज से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो हिंदी मीडियम से हुई है। तो कुछ लोगों का ये मिथ रहता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी रैंक नहीं ला सकते या क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला मिथ तो यही है कि आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपकी स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, प्लानिंग अच्छी होगी, आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। ये ऐसे ही नहीं, मैं कोई भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम है, कोई मीडियम, कभी भी इस तरीके से आपको एंट्रेंस मतलब नहीं आएगा उसमें। और सेकेंड, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने AIR 1 लेके आया है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको दो तीन चार अटैम्प्ट चाहिए कि आपको ESE क्लियर करने के लिए। तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये दो मिनट्स आपकी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इसके बाद मैं अपने कुछ नोट्स बना के लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोगों को जितना हो सके उतना आप मदद मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हम लेने जाते हैं, कोई भी हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें कोचिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। तो कोचिंग, जैसे कि हमारे कोई भी टीचर कभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं पढ़ा सकते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो। जबकि एक एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो उसको पढ़ाने के लिए हमको 200, 400, 500, 1000 वीडियोज़ मिल सकती हैं। लेकिन जब हम कोचिंग में हम जाते हैं तो हमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, जो कि अभी कॉम्पिटिटिव जितने अभी ESE का जितना कॉम्पिटिशन हो रखा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो वीडियोस देख रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, कि अगर आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, खासकर ESE की करनी है जिसमें आपका कॉम्पिटिशन लेवल बहुत टफ है, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। और कोचिंग्स में भी ऑफलाइन कोचिंग्स ज्वाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ नहीं, क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको फिजिकली अपियर होना पड़ रहा है, कुछ एफर्ट डालने पड़ रहे हैं यहाँ पे। ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि आप घर पे रहते हैं, आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, आप कभी भी क्लास कर रहे हैं, कभी भी उसको स्किप कर रहे हैं, तो आपका रूटीन नहीं बन पाता है। घर पे रहते हैं, घर के कुछ काम लग जाते हैं, यहाँ रहते हैं तो आपको आस पास के बच्चे दिखते हैं कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन एक अलग से आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोचिंग करें, कोचिंग के साथ साथ ऑफलाइन क्लासरूम में आप खुद को एनरोल करें। इसके बाद ये मेरा एक्चुअली, मैं इतने लोगों के सामने मैं सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा हूँ। इससे पहले मैं 7th क्लास में था, तब मैं ऐसे पोडियम पे आया था और आधी स्टोरी बताने के बाद मैं कांपने लगा था, तो मेरे टीचर ने मेरे को बैठा दिया था। तो मेरे साथ थोड़ा सा होगा क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की याद नहीं है, तो उससे चीज़ों से आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे कोचिंग करते हैं तो आपकी कोई भी प्रिपरेशन में आपका जो 20% हिस्सा होता है वो कोचिंग वालों की वजह से होता है, और बाकी का जो 80% आपका डिपेंड करेगा वो आपको सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये 20% है ये आपको गाइडेंस देने का काम करेगा। बिना गाइडेंस के आपका ये 80% जो होने वाला है वो एकदम बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको ये सारी चीज़ें क्लास लेना और ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप किसी एग्ज़ाम को आप करने वाले हैं, जैसे कि मैं एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूँ, आप लोग तो कुछ कर चुके हैं, जैसे कोई स्टार्ट किया हो, किसी ने कॉलेज से BTECH कंप्लीट किया हो, उसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसने जैसे कि मैंने अभी ESE के लिए मैंने ऑप्ट किया है, तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, कोचिंग क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए। सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का
जिस्ट लेना है, उसे एग्जाम की नर्व पकड़ना है कि एग्जाम क्या कराता है, कैसे कराता है। एग्जाम के बारे में हमको सबसे पहले हमको जानना है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप कोई भी एग्जाम ले रहे हो, ईएससी नहीं, कोई भी एग्जाम ले रहे हो, उसका सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार पढ़ें। आपको कुछ हो सकता है उसके सब्जेक्ट समझ में ना आए, टॉपिक समझ में ना आए, लेकिन उसको पढ़ें, एक दो बार पढ़ें। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक आइडिया हो जाएगा। और आपका बीटेक में आपने 4 साल आपने मेहनत किया होगा, कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट्स नाम थे। कुछ भी नहीं किया होगा तो सब्जेक्ट्स के नाम तो याद रहेंगे, टॉपिक्स के नाम याद नहीं रहेंगे फिर भी। तो आपको सबसे पहले ये करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करके उसके उसको पढ़ना है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमको कि पढ़ने का एकदम मन नहीं करता। स्टार्टिंग में क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो नहीं, कभी ऐसा इन्वायरमेंट मिला बीटेक हमने मस्ती में काट दिया, अभी ऐसे इन्वायरमेंट में आया तो हमको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो क्लासेस ज्वाइन करने से पहले एक दो काम और मैं बताता हूँ। तो ये जो सारा गेम है ना, आप आजकल की जो स्टडी रह गई है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, आपकी प्लानिंग कैसी है, और आपने किस तरीके से एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं। आप स्मार्ट वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा साथ में। एग्जाम को आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले डाउन सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, आपको इसको सिलेबस को पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर लीजिए उसका, ठीक है। प्रीवियस ईयर हमारा जो होता है वो लास्ट के 25 to 28 ईयर्स का होता है, ओके। तो 25 से 28 ईयर्स तक हमारे एक साल में एक सेट होता है, एक साल में एक क्वेश्चन पेपर होता है। तो 25 अगर मैं क्वेश्चन पेपर्स मानता हूँ, और एक सेट में पहले कुछ थोड़े कम होते थे, लेकिन मैं 150 क्वेश्चन लेके भी चलता हूँ, तो हमारे लगभग 3,750 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपको देखना है, लेकिन इसमें सारे रिलेवेंट नहीं है। आपको एक एनालाइज करना है कोचिंग वगैरह स्टार्ट करने से पहले। आपको जस्ट देखना है कि आपका, जैसे कि मैंने मैंने क्या किया था, मैंने 2010 के बाद से मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया था। 2010 के बाद मैंने क्या किया, जैसे कि मेरे 14 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में 2010 के बाद कितने क्वेश्चंस आए हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को नोट कर लिया। इस तरीके से नोट कर लिया, हर सब्जेक्ट का सम लिया, ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ किया मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया। यहाँ पे आपको कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको कोई सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है, आपको सिंपली मैथ, एक तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना है। आपको डेटा का इंपॉर्टेंस पता है आजकल के टाइम में कितना है, और आपको ये चीज़ एग्जाम में भी अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, चांस अच्छे रहेंगे। आपको डेटा कलेक्ट करना है इसका। आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके 20 क्वेश्चन आए हैं एक सब्जेक्ट में से, तो इसमें कितने परसेंट था, इस चैप्टर में कितने परसेंट है, इस चैप्टर में कितने परसेंट है, इस चैप्टर में कितने परसेंट है, ये आप निकाल लीजिए, ये आपको बाद में काम आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स में करिए, ठीक, जितने भी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स में करिए, और इनको टोटल करके जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर हर एक सब्जेक्ट्स का आपको वेटेज निकालना है। इस सब्जेक्ट से कितना आया है, अगले सब्जेक्ट से कितना आया है, अगले सब्जेक्ट से कितना आया है, इस तरीके से निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा आता है, जो उसके बाद आता है, 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 ऐसे चलते रहेगा। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पे थोड़ा कम फोकस करना है। रिलेटिवली आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, पहली बात तो आपको फोकस सारे पे करना है, लेकिन इससे पता रहेगा कि इसको मुझे थोड़ा सा डीप पढ़ने की जरूरत है, और इसके क्लास नोट्स पढ़ के मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आप चिंता मत करिए, मैं आपको कोई हाई फाई कोई ऐसी टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ जिससे कि आपको लगे आपको डिमोटिवेशन हो। हम सिंपल किस टेक्निक पे फॉलो करेंगे, फुल फॉर्म पता है किसी को इसका, इसका फुल फॉर्म होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो हमको चीजों को सिंपल करते जाना है लास्ट तक एग्जाम से। हमको बस हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए कि हम जो एग्जाम लेने जा रहे हैं वो लास्ट तक हमारा इतना सिंपल हो जाए कि हमको उसको डर ना लगे। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जैसे मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये इसको शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट करने के बाद ये आपका ये टेक्निकल पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, 13 या 14 सब्जेक्ट्स आप जैसे भी काउंट करते हैं। इसके बाद आप क्या करिए, इनको क्लब करिए, इनको क्लब करके 4 सेट्स में, ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। जो मैंने किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 सेट्स में आप इसको क्लब करिए, 4 सेट्स आप ऐसे क्लब करिए, 4 सेट्स में हर एक सेट में मान लीजिए 3 से लेकर 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, तो हर एक सब्जेक्ट हर एक सेट का जो वेटेज होगा वो 25% के लगभग होगा। तो हमने क्या किया, हमने पूरे सिलेबस को 4 सेट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हर एक का वेटेज 25% है। इसमें आप इस हर एक सब्जेक्ट एक सेट में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आप अपने कन्वीनियंस से रख सकते हैं, लेकिन उसका जो सम होना चाहिए लगभग लगभग ऐसा होना चाहिए कि चारों सेट लगभग लगभग बराबर हो।
इसका भी इंपॉर्टेंस आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तब समझ में आएगा कि सेट्स क्यों बनाए हमने। ये सेट्स बाकी के आगे की आपकी जो प्रोसेस है उसको सिंपल करने के लिए बताया, मतलब मैंने बताया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, आपको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको कुछ आता है नहीं आता है, कुछ आपने क्या मतलब कितना आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप कोचिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये करिए, ठीक है, सिंपल डेटा आपको कलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे आपका डेटा सारा कलेक्ट हो चुका है, अभी आपको बैठ के एक चीज और करना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप कहाँ खड़े हैं। अभी आप कोचिंग स्टार्ट करने से पहले आप कहाँ खड़े हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग से ये था, 12th क्लास से मेरा ये था कि मुझे ESC में जाना है और सिविल में ही मेरे को चूज करना है, इसलिए मैंने BTech में सिविल चूज किया और लास्ट में मैं ESC में प्रिपेयर हुआ। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं फर्स्ट ईयर से वहाँ पे लग गया। पहले जो हमारी ESC का एज क्राइटेरिया था वो 1st ऑफ अगस्त से होता था, अभी जो होता है 1st ऑफ जनवरी से होता है, 20 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। पहले जो एज क्राइटेरिया था वो 1st ऑफ अगस्त से था, तो मैं 2019 में एलिजिबल हो रहा था एग्जाम देने के लिए। तो मैंने क्या किया, 3rd ईयर तक मैंने कुछ नहीं छोड़ा। 3rd ईयर फर्स्ट ईयर में नया नया नेट मिला था, मूवीज देखते थे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे चला गया। 3rd ईयर में समर ब्रेक्स हुए तब मैंने सोचा कि ESC मेरे को देना है तो मैं थोड़ी तैयारी करता हूँ। तो यहीं पे अपना मेडिजी का सागे सेंटर है, तो वहाँ से मैं हैंड रिटन नोट्स कुछ लेके गया। मैं मेडिजी के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स थे सारे के हैंड रिटन नोट्स लेके गया। तो समर भी लगभग 2.5 महीने के लगभग रहा होगा, उसमें मैंने चार से पाँच सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए। चार से पाँच सब्जेक्ट्स में कौन कौन से थे, ट्रांसपोर्ट था एक, और एक इन्वायरो था, और एक ऐसे कुछ चार पांच सब्जेक्ट्स थे। तो जब मैं कोचिंग ज्वाइन करने आया तो मुझे पता था कि इन चार पांच सब्जेक्ट्स के मैंने अच्छे से पढ़ रखा है मुझे, तो एक साल में मतलब बहुत कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन मेरे को बहुत सारा आइडिया रहेगा कि इन चार चार पांच सब्जेक्ट्स में क्या है। बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मेरे को, जैसे ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट में मैंने अपना प्रोजेक्ट किया था तो उसमें मेरे को थोड़ी सी जानकारी थी। तो बाकी सब्जेक्ट ऐसे थे कि मुझे लगा था कि मेरा 5-6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, आप कहाँ खड़े हुए हैं। आपको 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने तैयार करने में लग सकते हैं, 9 से 10 महीने भी लग सकते हैं तैयार करने में। ठीक है, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक, मेरा जो तो केस में था वो लगभग मेरे 6 महीने की तैयारी के लिए मिले थे। मैंने अपना 2nd ऑफ जून को, मैंने 2nd जून 2019 को बैच ज्वाइन किया था और 5 जैन को मेरा एग्जाम था। ठीक है, तो इतना मेरे को 5-6 महीने मिला था। 5-6 महीने में मैंने अपना अभी जो भी टाइम मिला हुआ था, जैसे मुझे 6 महीने का टाइम मिला था, तो इस 6 मंथ्स का मेरे को एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। सबसे पहले आपको मान लिया आपको 9 to 10 months मिल रहे हैं, तो आपको 10 मंथ्स का प्लान बनाना है। 10 मंथ्स इक्वल टू 300 डेज। ठीक है, अब 300 डेज का आपको लॉन्ग प्लान बनाना है। प्लान होना बहुत जरूरी है, बिना प्लान के अगर आप काम करोगे, आप बैठ आज क्लास में आके बैठ गए, आपने चलने लगे सर पढ़ा रहे हैं चलते रहेगा, तो आपका ऐसे नहीं होने वाला है। आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। जैसे 300 डेज है, 300 डेज में हमको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सब आपको पता होना चाहिए। आप क्या करिए, इन 300 डेज को डिवाइड करिए। यहाँ जो हमने परसेंटेज लिखे थे हर एक सब्जेक्ट के, उसके हिसाब से इस सब्जेक्ट को डिवाइड करिए। जैसे कोई कोई सब्जेक्ट का वेटेज 12% था, उसका कितना हो गया, 36 डेज हो गया। ठीक है, इसको 30 डेज अलॉट करिए लगभग। किसी का 24 डेज चल रहा है, उसको 20 डेज अलॉट करिए। किसी को 16 डेज में हो रहा है, उसको 12 डेज अलॉट करिए। इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम अलॉट करना है। तो आपके पास एक टाइम लिमिट है कि हमको हर एक सब्जेक्ट इस टाइम लिमिट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म आपको प्लान बन गया और उसके थोड़ा थोड़ा आपको शॉर्ट टर्म ग्लिम्स मिल चुका है कि हमको इस चीज में इतना इतना टाइम देना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको पता नहीं होता है कौन सा सब्जेक्ट पहले कवर होगा, कौन सा सब्जेक्ट बाद में कवर होगा, तो इस तरीके से आपको, लेकिन ये पता है कि हमारे को कौन सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ठीक है, अब आप क्या करिए, आप क्लासेस ज्वाइन करिए। इसको ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म गोल, 300 डेज का हमने लॉन्ग टर्म गोल बना लिया ये सारा। अब हमको जब हम क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स भी होंगे, जैसे वीकली गोल्स होंगे, मंथली गोल्स होंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब क्लासेस स्टार्ट होने का बात होगा तब होगा। इसमें एक चीज़ और हमको देखनी है, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। आपकी वीकनेसेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इससे आपको गोल सेट करने में थोड़ा सा आसानी होगी। वीकनेसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा थ्योरी पोर्शन बहुत वीक था, थ्योरी पोर्शन बहुत वीक था, इसीलिए मेरा इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगता था कि इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं जाने वाला है। ठीक है, और मेरा स्ट्रेंथ में क्या था, स्ट्रेंथ में मेरा कैलकुलेशन, मेरा पोर्शन पोर्शन अच्छा था, साथ में मेरी प्लानिंग अच्छी थी, मैं चीज़ों को अच्छे से प्लान कर लेता था, और साथ में टेक्निकल पार्ट तो अच्छा था ही, कैलकुलेशन अच्छा था, टेक्निकल पार्ट मेरा अच्छा था। ठीक है, इन सब चीज़ों के हिसाब से मैंने क्या किया, अपने जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक गोल सेट किया।
जैसे आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 1300 मार्क्स का होता है, इसमें से 500 प्रीलिम्स होता है, 600 मेंस होता है और 200 इंटरव्यू होता है। इसमें पेपर वन में 200 का होता है, ये 300 का होता है, ये 300 का होता है, ये 300 का होता है, ये तो 200 का रहता ही है। 2019 का जो रिजल्ट आया था उसमें टॉपर के 847 मार्क्स थे, सेकंड टॉपर के 802 या 804 ऐसे कुछ मार्क्स थे, ठीक है। तो उस टाइम तो हमें लगता था कि इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हम 800 800 प्लस लेके आते हैं, 800 प्लस पे हमारा सिलेक्शन श्योर है। तो मैंने इसी तरीके से स्ट्रेटजी की, तो मेरा जो ये जो वीकनेस थी इंटरव्यू, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पिछले 4-5 साल के मैंने ESE के रिजल्ट जो भी मार्क्स हमको अलर्ट होते हैं वो मैंने डाउनलोड किए, उसमें मैंने ESE के जाके मिनिमम मार्क्स देखे, मतलब किसी भी कैंडिडेट के मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो उसमें मुझे एक कैंडिडेट के 70 मार्क्स मिल गए, तो ये मेरा इंटरव्यू का जो टारगेट था वो सेट हो गया कि मैं इसमें 70 मार्क्स ही लेके चलना है, बाकी का जो कवर करना है मुझे मेंस में और प्री में कवर करना है, ठीक है। उस टाइम तक हमारा टेक्निकल पोर्शन अभी थोड़ा सा इजी साइड में आने लगा है, पहले थोड़ा सा टफ रहता था। तो मेरा जो टारगेट था इसमें 300 में से 200 का इसमें टारगेट था, और इसमें लगभग 120 का टारगेट था, ठीक है, और इन दोनों मिला के मेरा 450 का टारगेट था। तो ये 450 एंड 70, 520, 720, 840 के अराउंड मेरा टारगेट था, और ये मोर देन सफिशियंट है। अगर टॉपर की अगर 847 आ रहे हैं तो 840 पे तो मेरा सिलेक्शन होना ही था। तो मैंने ये मेरा अपना गोल सेट किया, क्योंकि और इसमें आपको ध्यान रखना है आपको वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से गोल सेट करना है। आपको लगता है आपका प्रीलिम्स मेरा कमजोर है तो आपको मेंस में ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मतलब गोल सेट हाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसमें ज़्यादा एफर्ट डालो। इंटरव्यू आपका स्ट्रांग है, इंटरव्यू आप कोई भी बच्चा ही नहीं बोल सकता मेरा इंटरव्यू स्ट्रांग है, तो आप मेरे हिसाब से इंटरव्यू में आपको हमेशा से लीस्ट मार्क्स ही लेके चलना है। आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, आप चाहे 100% क्वेश्चन के आंसर देके आओ इंटरव्यू रूम में, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बोल सकते हो मेरे 120 130 140 नंबर आ सकते हैं। मैं आपको केसेस बताऊंगा जिसमें लोग बच्चे 80 90% तक आंसर्स देके आए, उनका 100 मार्क्स रह गया है। तो इसमें कभी श्योरिटी नहीं होती है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको मिनिमम मार्क्स लेके ही चलना है। बाकी के जो मार्क्स फेच करने हैं आपको मेन्स में फेच करने हैं, सबसे ज़्यादा इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है मेन्स में मार्क्स फेच करने की होती है। प्रीलिम्स में भी आप कर सकते हैं, प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर में तो आपका ये लिमिट रहता है कुछ, आपका अभी जैसे कि आजकल लास्ट के 2 ईयर्स में 100 मार्क्स बहुत कम बच्चों के आ पा रहे हैं, हमारे टाइम पे 120 110 तक आ जाते थे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे 150 160 170 तक रहते थे, इतना मार्क्स नहीं आते। लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे का मार्कशीट देखा, उसका पेपर 2 में 248 मार्क्स था प्रीलिम्स में। अब आप सोच सकते हैं वो कितना करके आया होगा, कितना सही किया होगा, कितना एक्यूरेसी होगी उसके, 248 मार्क्स था। हमारे टाइम मेरे 2020 तक इतना मार्क्स नहीं आते थे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको गोल सेट करना है कि आपका गोल क्या, आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। अभी आपको इस साल का कट ऑफ पता है कितना गया जनरल का, 802 या 805 के लगभग गया है, कुछ ऐसे गया है, ठीक है। तो आपको कम से कम वो तो रखना ही रखना है, क्योंकि दिन ब दिन वैकेंसीज कम होती जा रही है, कम से कम वो तो रखना ही रखना है। थोड़ा सा आपको और ऊपर रखना है, क्योंकि आप जब कोई गोल सेट करते हो आप उसमें एम करते हो तो थोड़ा सा आप नीचे जाते जाते हो, तो एम हायर थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये करना है, ये सारे काम आपके जो हुए ये हमारे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले के ये सारे काम है, ठीक है। अब आपका कोचिंग ज्वाइन होते हैं, अब कोचिंग ज्वाइन करने पे आपकी स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए, सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, उसके बाद मेंस की, उसके बाद इंटरव्यू की। तो पेपर वन की बात कर लेते हैं पहले, तो पेपर वन में आपको पता है 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, मैथ्स प्लस FT, ठीक है। हमारे टाइम तक इन दोनों से 20 क्वेश्चन आते थे, अभी 30 क्वेश्चन तक आने लगे हैं, 30 क्वेश्चन का मतलब 60 मार्क्स, ठीक है। इसमें आपको जितने आप मार्क्स फेच कर सकते हो आपको यही मेहनत करना है, क्योंकि आपका जो मैथ्स के जो फॉर्मूलेज रहेंगे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये पता है कि मेरी चीज़ यहाँ मतलब मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो उन्हीं सेट ऑफ फॉर्मूलाज में से आने वाला है, उसी सिलेबस में से आने वाला है। इसका एक तरीके से डिफाइंड सिलेबस आपको मिला हुआ है, एप्टीट्यूड सबका इनबिल्ट रहता है थोड़ा सा, और आप टीचर्स की मदद से भी आपको उसको एनहेंस कर सकते हो अपना। तो इसमें आपको टारगेट रखना है आपका 45 to 50 प्लस आए, और बाकी सब्जेक्ट में आप किसी भी वो कुछ रखें ना रखें, लेकिन मैथ एंड एप्टीट्यूड आपको एकदम A1 रखना है। आपको इसमें एकदम ऐसा नहीं रखना है कि ESE की तैयारी कर रहा हूँ तो मैथ की जरूरत नहीं है, गेट में आता वो तो, लेकिन ESE में आपको इस चीज़ पे ही फोकस रखना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में इसके अलावा कोई भी सॉलिड मार्क्स नहीं है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे आपको कोई आप श्योरिटी नहीं है उसमें कितने मार्क्स रहने वाले हैं, कहाँ से पेपर आएगा, क्योंकि UPSC ने इन बाकी के जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उनका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ही श्योरिटी मिलेगी, ये जो 40 40 45 to 50 मार्क्स देने वाले हैं आपको यहाँ श्योरिटी मिलेगी, और कहीं आपको श्योरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ये आपके 2 सब्जेक्ट्स कवर हो गए,
उसके बाद मैं कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ इंपॉर्टेंट, एक जैसे क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में आपको क्या करना है, आपको टीचर जो मेडी जी का जो बुक मिला हुआ है वो सबसे बेस्ट है, टीचर भी पढ़ाएंगे वो उसी में पढ़ाते होंगे, आपको कराया होगा तो शायद उसी में वो क्या कराते हैं, उसी में इंपॉर्टेंट बताते रहते हैं, उसी में आपको टिक कराते हैं, नोट्स नहीं बनवाते हैं, तो उसी में हाईलाइट करा देंगे, अंडरलाइन करा देंगे। तो आपको वो बुक से करना है, और बुक करना है और बुक को बार बार करना है। उसके अलावा कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लूँ, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लूँ, कोई जरूरत नहीं है। इसमें मेडी जी का बुक सबसे बेस्ट सोर्स है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको इन दोनों के बाद किसी को वेटेज देना है तो आप क्वालिटी कंट्रोल दो, इसके बुक को पढ़ो, और कोई चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस में आपको हुआ है क्या मटेरियल साइंस? नहीं, तो मुझे पढ़ाया था सुनील सर ने, तो सुनील सर ने मटेरियल साइंस, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में शायद रहते हैं, तो वो हमको पढ़ाने आए थे, उन्होंने अच्छे से नोट्स बनवाए थे उसके, ठीक है। तो क्लास नोट्स प्लस लास्ट में वो क्या करेंगे, 1000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बुकलेट देंगे, केवल उसमें मटेरियल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको इसके क्लास नोट्स पढ़ना है, केवल रट्टा नहीं मारना है, केवल पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। 1000 क्वेश्चंस आपको ये चीज़ और ये चीज़ इसके लिए सफिशियंट है। इससे अगर आप बाहर कुछ भी पढ़ोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका उससे ज़्यादा भला नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि पॉलीमर्स हो गया, पॉलीमर्स के बाद कुछ नॉन फेरस मेटल्स हो गया, और कुछ फेरस मेटल्स हो गया, और कुछ इसी तरीके के जो लास्ट में जो कुछ टॉपिक्स आएंगे ना आपके चैप्टर के लास्ट में, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपके 4 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में आता है ईडी। ईडी में आपका सेफ्टी इंक्लूड रहता है और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग इंक्लूड रहता है। इसमें भी आपको क्लास नोट्स पढ़ना है, आपको ज़्यादा इधर उधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रहता है आपका एथिक्स। एथिक्स में आप कुछ भी कर लें, आपको एथिक्स कवर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके लिए जो क्लास नोट्स मिल रहे हैं ना उसका रीडिंग डालना है केवल, आ जाता तो अच्छा है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। क्लास नोट्स में रीडिंग मतलब क्लास नोट्स का रीडिंग करना है, कोई और सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है बाकी ब्रांचेस के अलावा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके सिविल इंजीनियरिंग का भी एक उसमें थोड़ा सा पार्ट रहता है। तो इसमें आपको कॉन्टेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, सीपीएम पार्ट भी थोड़ा सा आ जाता है, इसमें डायग्राम वगैरह आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। आईसीटी, आईसीटी में आपको क्या करना है, क्लास नोट्स, आईसीटी में क्लास नोट्स करना है। साथ में कुछ गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज आती रहती हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं या फिर कुछ वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखना है, या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका करंट अफेयर्स प्लस इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके लिए आपको एपी सिंह सर पढ़ाने आएंगे, जहाँ तक मुझे ध्यान है। एपी सिंह सर के अगर आप नोट्स पढ़ के चले जाओगे, वो बहुत बहुत कम शॉर्ट मतलब टाइम के लिए वो आपकी क्लासेस लेंगे, लेकिन वो आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करा देंगे। आपको बस उनके नोट्स पढ़ के जाना है। लास्ट ईयर के मैंने उनके कुछ लेक्चर्स देखे तो उनके उनके नोट्स से 8-10 सवाल सीधे आए हुए थे। तो आपको उनके क्लास नोट्स का ही मतलब आपको सारा लेना है, ठीक है। तो ये आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। आपको इसमें टारगेट ज़्यादा नहीं रखना है, आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे आप 150 ले आओगे, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 150 ले आओगे, और आप इसमें ये श्योरिटी भी आप नहीं दे सकते हो कि मैं इसमें अगर ज़्यादा टाइम दूंगा, इसमें ज़्यादा मेहनत करूंगा, तब मेरे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर अगर भी ऐसा हो चुका है कि आप कभी कभी तो ऐसा होता है जो पढ़ गया था उसके मार्क्स कम आते हैं, और जो नहीं पढ़ के जाता है उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसमें आपको ऐसा एम हाई नहीं करना है, और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, लेकिन इतना टाइम भी नहीं देना कि आपको 50-60 मार्क्स आ जाए। आपको टारगेट लेके चलना है मेरे को 92 लेके 120-110 तक मेरे मार्क्स आ जाए इसमें, ठीक है। क्योंकि आप इसको ब्रेकडाउन देखोगे तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है 1300 मार्क्स का होता है, उसमें से केवल 200 मार्क्स का हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है, ठीक है। बाकी का जो 1100 मार्क्स का होता है वो हमारा कैसा है, टेक्निकल इंटरव्यू को मीन टेक्निकली मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी का 1100 का टेक्निकल पार्ट है। अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो आपका ये खराब हो जाएगा, ठीक है। और आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे ये खराब हो गया तो आपको सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना है, लेकिन अगर आप इस चीज़ पे कम फोकस करेंगे तो आपका प्री भी क्लियर नहीं होगा, तो ये आपका केवल और केवल 500 मार्क्स का रह जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी है और कम भी मेहनत नहीं करनी है। इसीलिए जो चीज़ बताई है इस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया था। मैंने कोई न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया था, मैंने कोई करंट अफेयर्स फॉलो नहीं किया था, मैं कोई न्यूज़ नहीं देखता था, मैं कुछ नहीं करता था। ये जो नोट्स थे इन्हीं चीज़ों से बाहर मैं कभी नहीं किया, क्योंकि आप कभी भी ये श्योर नहीं हो सकते हो कि मैं करंट अफेयर्स रोज लगाऊंगा, न्यूज़पेपर रोज पढ़ूंगा तो मेरे 4 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएंगे।
तो आपको क्या करना है, केवल जो क्लास में जो नोट्स दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है, केवल रटना भी नहीं है। आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले 4-5 बार आप उसको पढ़ लो अच्छे से, आपको बस इतना करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये सारे इतने नोट्स होने चाहिए ना, आप खुद से लिखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। मार्केट में कुछ नोट्स अवेलेबल होते हैं वो लास्ट ईयर के पुराने हो जाते हैं, चेंज होता रहता है ये सारी चीजें, तो आपको ये चीजें आप खुद से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सेल्फ रिटन हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए तो ये अच्छा रहेगा। रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन का एक स्ट्रेटेजी रहता है, मैं कभी कभी फॉलो करता था उसको। जैसे कि आपने कोई चीज पढ़ी, इसका आपको रिवीजन 3 के मल्टीपल में करना है, 1 डे 3 डे 9 डे 27 डे 3 मंथ 9 मंथ, इस तरीके से, ठीक है। मेरे जो स्कूल में प्रिंसिपल थे वो हमको ये रटने के लिए तकनीक बनाते थे कि आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है तो आप क्या करो उसको पढ़ लो, इतने टाइम से पढ़ लो, आज पढ़ लो, 3 दिन बाद पढ़ लो, 9 दिन बाद पढ़ लो, 27 दिन बाद पढ़ लो, 3 महीने बाद पढ़ लो, 9 महीने बाद पढ़ लो, इस तरीके से आपको केवल पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि आपको 4 ऑप्शन, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है अपनी तरफ से, 4 ऑप्शन में से या तो 3 ऑप्शन आपको कट करने हैं या एक सही ऑप्शन आपको ढूंढ के लेके आना है, ठीक है। तो आपको बस इतना सा काम करना है, आपको बस क्वेश्चन देख के ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उससे ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको आगे मेंस में इंटरव्यू में ये कोई काम नहीं आने वाला है, ये कोई भी चीज काम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा फोकस भी नहीं करना है कि आपका टेक्निकल का टाइम चला जाए, और इतना कम फोकस भी नहीं करना है कि आपका मतलब आप प्री भी क्लियर ना कर पाओ। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि जो इसके मतलब हमारी जो मॉक टेस्ट होंगे, और इतना अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, और आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ पे मेरे 140 आ रहे हैं तो मैं टेक्निकल में थोड़ा छूट छोड़ दूँ। मतलब जैसे मेरे को अगर 300 मार्क्स लेके आने हैं प्री में, तो यहाँ पे मेरे 140-150 आ रहे हैं, टेक्निकल में 150 आ जाएंगे फिर भी चलेगा। तो आपको यहाँ से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है एकदम, आपको यही सोच के जाना है यहाँ पे 140-150 आ रहे हैं तो आप लेके चलो मेरे 100 ही मार्क्स आने वाले हैं फर्स्ट पेपर में, ठीक है। आपको यहाँ से एकदम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये जो आपका फर्स्ट सेकेंड पेपर में थे वो आपको पूरा का पूरा रखना ही रखना है, ठीक है। और इसका जब मॉक लगाएंगे तो मॉक की बताऊंगा कैसे लगाना है। अब आते हैं पेपर टू पे, ठीक है। तो पेपर जैसे पेपर वन का मैंने मटेरियल बताया, पेपर टू का भी मटेरियल बताता हूँ। तो पेपर टू का जो मटेरियल है, क्लास नोट्स प्लस कोचिंग का जो बुक्स है वो, और कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का सॉइल का बुक लगाने की जरूरत नहीं, एनवायरनमेंट का, ट्रांसपोर्ट का, किसी भी सब्जेक्ट की कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस चाहिए आपको, जितना सिलेबस चाहिए वो आपकी कोचिंग बुक्स में सफिशियंट दे रखा है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लगाने से आपका क्या होगा, बर्डन होगा कि यार इस किताब से पढ़ना है उस किताब से पढ़ना है। आपको एक सोर्स रखना है, वो होने चाहिए आपके कोचिंग बुक्स। आपको कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है अपने टीचर से कंसल्ट करिए, नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पे वीडियोज देखिए। लास्ट उसका प्रॉब्लम, लास्ट उसका स्टेप होना चाहिए मेरे को कोई उसकी किताब रखना है, ठीक है। तो आप उसके लास्ट जब कुछ नहीं मिले तब आपको किताब से उसको रेफर करना है, नहीं तो कोचिंग बुक्स में जो भी मटेरियल दे रखा है वो मोर देन सफिशियंट है। अगर आप उसको लगा के जाएंगे तो एग्जाम में आपका कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे कॉन्सेप्ट बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो मटेरियल तो आपका ये हो गया, क्लास नोट्स एंड कोचिंग बुक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहता है कि आपकी कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपकी क्लास मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है, तो आपको क्या करना है, तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। मेरा जो क्लासरूम था वो कालूसराय में चलता था, तो मैं जो सबसे लास्ट वाली रो है ना मैं वहाँ बैठता था, क्योंकि वहाँ पर ना तो आपको जल्दी आना पड़ता है कुछ नहीं, मतलब मेरे वैसे मैं फुल रहता था, वो आगे तो 1-1.5 घंटे पहले आना पड़ता था, तो सबसे लास्ट में बैठता था, वो 2-4 सीटें खाली मिलती थी उनको, तो एक पे बैठ रखता था, एक पे मैं खुद बैठता था। तो मैं 4 तरीके की चीज़ें लेके जाता था। एक तो जैसे कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके मेरे को सेल्फ रिटन नोट्स बनाने, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, सोम हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी जो थ्योरी का सब्जेक्ट है मैं उनके नोट्स खुद नहीं बनाता था, मैं उनके हैंड रिटन नोट्स जो मार्केट में मिलते हैं उनको मैं ले लेता था, ठीक है। एक तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स रहते थे, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर प्लस वर्कबुक प्लस हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर वर्कबुक एंड थ्योरी बुक, ठीक है। अब टीचर तुमको कोई कॉन्सेप्ट बताएंगे, कोई चल रहा है आपको, तो टीचर से आपको कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से, ठीक है। या आपको कुछ थ्योरी बता रहे हैं आपको अच्छे से समझनी है उसको, आपको उसको अपने नोट्स में ढूंढना है कहाँ मिल रहा है। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कुछ लोग अपना नोट्स प्रेफर करते हैं लिखना, बहुत अच्छी बात है, आप लिखते हैं आपको लिखने से और अच्छा याद होगा, आपको खुद की लिखी हुई चीज़ ज़्यादा टाइम तो याद रहती है। लेकिन मेरे केस में ये चीज़ अच्छे से काम करनी थी तो मैंने ये काम किया। आपके हैंड रिटन नोट्स चलाने में आपको अच्छा लगता है तो आप उसको रखिए, वो भी बेनिफिशियल रहता है। मेरा इसमें यह रहता था थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाता था,
जैसे क्लास रूम में उनको कुछ नोट किया, उसको नोट करने के लिए जो टाइम मिलता था ना उसको मैं थोड़ा सा यूटिलाइज करता था, लास्ट में बैठता था, कोई स्पेस की भी दिक्कत नहीं रहती थी, तो मैं यूटिलाइज करता था उस टाइम को, ये जो नोट डाउन करने वाला जो टाइम था, ठीक है। इसमें से प्रीवियस ईयर था, वर्कबुक थी, थ्योरी बुक थी। अब इसमें जब मेरे को खाली टाइम मिलता था मैं थ्योरी बुक में उसमें एडिशनल चीज़ें देखता था कि इसमें एडिशनल क्या क्या है जो टीचर ने पढ़ाया। मान लो बुक में कोई स्टार पॉइंट दे रखा है, या फिर मान लो कोई साइड में फॉर्मूला दे रखा है, या फिर टीचर ने कुछ बताया तुमको समझ में नहीं आया, पीछे बैठो क्या पूछोगे, उसमें से देख लिया तुमको कैसे सवाल कर सॉल्व करना है। कुछ एडिशनल चीज़ें आपको मिल गई जो टीचर ने नहीं बताई हैं, वो आप देख लो उसमें, उसमें मार्क कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा अप्रोच रहता था क्लास में। तो थोड़ा टाइम बचता था तो मैं थ्योरी बुक पढ़ता था, वर्कबुक और ये सब देखने के लिए आता था कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही है मेरी, कि इस साल इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में प्रीवियस ईयर में कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है। ये सब तो मेरा क्लास का था, क्लास मान लो 6 घंटे की थी, 8 घंटे की थी। मैं अपना शेड्यूल भी बता देता हूँ, जैसे मेरा जो बेस्ट था वो इवनिंग बेस्ट था, 2:30 से स्टार्ट होता था वो, मेरे को सुबह उठने में दिक्कत होती थी तो मैं शाम वाला बेस्ट ज्वाइन किया, ठीक है। तो मैं 2:30 पे आता था बैच में, हमारा ये लगभग 9:30 तक बैच चलता था, 9:30 और 9 तक, 6 घंटे का। उसके बाद घर जाने के बाद खाना पीना, उसके बाद क्या होता था मैं रिवीजन करता था, ठीक है। जो भी पढ़ाया उसको आपको रिवीजन करना है, 1 आवर सफिशियंट है, आप जितना भी आपको पढ़ाया सब कुछ आप रिवाइज कर लीजिए उस चीज़ को। उसके बाद आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। सारा खेल डेटा का है, आपने डेटा अच्छे से समझ लिया आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 25 साल में, 3750, ठीक है। आपने कितने दिन अलॉट किए हैं, 300, 200 भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एक दिन में आपको लगभग लगभग 19 सवाल मिलेंगे, एक सवाल के लिए एग्जाम में कितना टाइम मिलता है आपको, लगभग लगभग 1 मिनट मिलता है। तो मैं 19 सवाल के लिए मैं 30 मिनट्स दे देता हूँ, 30 दे दो, 40 दे दो, 30 मिनट सफिशियंट है, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आप किसका मतलब आप तो कॉन्सेप्ट अटक रहे हैं, अगर आपने सही से पढ़ा होगा 30 मिनट्स में 19 सवाल तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं घर पे जाके प्रीवियस ईयर देता था, 1 आवर में रिवीजन, 30 मिनट्स में प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर देने का भी मेरा तरीका था वो मैं बताता हूँ, वो मेरे लिए स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा था वर्कबुक का, वर्कबुक में जो टॉपिक पढ़ाया होता था उसमें जो सवाल होते थे उसको मैं लगभग 1 आवर या 30 मिनट जितना भी टाइम लगते थे वो, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं होता, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे होते हैं तो उसमें कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो 1 आवर मैंने इसमें दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या करता था मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था, शॉर्ट नोट्स बनाने में आप दे दो 1.5 आवर दे दो या 2 आवर्स दे दो, ठीक है। ये सब लास्ट में आपको क्यों बनाने, क्योंकि आप जब क्लासरूम में आप ये सब अटेंड करके आए, आपने प्रीवियस ईयर लगाया, वर्कबुक लगाई तो और रिवीजन किया, तो आपको पता चल जाएगा, उसका जिस्ट पता चल जाएगा कि आप उस टॉपिक में कहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर एक चैप्टर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर एक का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है। कोई चीज़ ऐसी दे रखी होती है जिससे पिछले 20 से 25 साल में कोई सवाल नहीं आया, कोई चीज़ ऐसी होगी इसमें से हर साल हर एक साल के गैप पे क्वेश्चन आ रहा है या हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपको वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी प्रीवियस ईयर लगाने से, ठीक है। अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो आपको पता चल गया कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है किस चीज़ की इंपॉर्टेंस कम है, ठीक। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई फर्रे बनाता है, कुछ कोई कुछ भी करता है। मेरे शॉर्ट नोट्स ये थे, इसमें मेरी सारी की सारी सिविल कंप्लीटेड है। अगर कोई मुझसे अभी एग्जाम लिखने को बोले तो मैं कोई अपना थ्योरी बुक नहीं बोलूंगा, मतलब कोई भी अपना नोट्स नहीं बोलूंगा, क्लास नोट्स नहीं बोलूंगा, मैं ये लेके जाऊंगा। और मेरे पास 4 सेट ऑफ कॉपीज था, 4 कॉपीज थी 200 पेजेस की, 200 या 160 पेजेस की, मेरे पास 4 कॉपी थी, मैं इसको लेके और वो 4 कॉपीज को लेके आप मेरे को से कोई भी एग्जाम लिखवा लो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ इस किताब पे, ठीक है। तो मैं इस पर अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था, ये आपका मेडी जी का हैंडबुक है जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पहले से बहुत कुछ दे रखा होता है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, आपको चीज़ें ऐड करनी है, जैसे दिखा देता हूँ मैं अपना, जैसे कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, बाकी चीज़ें मैंने क्या किया है इसमें पेजेस ऐड करके, ये वाइट पेजेस ऐड करके मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से लिख लिया है, ठीक है। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बाकी विद इन द लाइन्स मैंने लिख लिया है, कुछ डेटा मिसिंग है किसी तरीके का, तो ऐसे मैंने विद इन द लाइन्स लिख के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, उसका डेरिवेशन कैसे किया गया है, कुछ कुछ अलग तरीके के फॉर्मूलेज हैं, वो सारे मैंने इस तरीके से सारे लिख रखे थे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये मेरा ऐसा था कि जो नोट्स में बनते बनाता था मैं क्लास में, उन सबका जो निचोड़ था, जो अच्छा अच्छा मटेरियल था वो उसमें लिख लेता था। इससे क्या होता था मेरे को उन नोट्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं इन नोट्स को कभी रिवाइज नहीं करता था, क्योंकि मुझे रिवाइज करना होता था मैं ये लेता था। और ये 4 कॉपीज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनानी है, जो मैं बनाता था अपना स्ट्रेटेजी में बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें मेरा इतना कॉन्फिडेंस है, ये सिविल का जितना भी है सारे सब्जेक्ट इसमें अच्छे से कवर हो रखे हैं,
ठीक है, मैं आपको ये पास कर देता हूँ, किसी को देना हो आप पास कर सकते हैं, देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो आप किसी को अच्छा लगे तो आप ये टेक्निक शॉर्ट नोट्स की अपना सकते हो। बाकी शॉर्ट नोट्स में यही रहता है कि आप फर्रे बनाओ, या तो छोटे छोटे A4 साइज या मतलब A5 साइज के आप फर्रे बनाओ, तो आप वो भी कर सकते हो चाहो तो। मेरा टेक्निक ये था, मैं हर एक चीज़ इसमें नोट करता था, जिससे क्या होता था मेरा इस पर डिपेंडेंस एकदम खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने जो प्रिंसिपल लिखा था ना, कीप इट सिंपल, तो लास्ट में क्या हुआ, जब लास्ट में आप रिवीजन करने बैठोगे ना, जब आपके 14 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और 10 नॉन टेक के सब्जेक्ट्स होंगे, इतना मटेरियल हो जाएगा, इतना मटेरियल देख के आपको रिवाइज करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको दिखेगा कि एक हैंडबुक इतनी पतली सी, चार पतली सी कॉपियां, मेरे को केवल इतना रिवाइज करना है, तो आप माइंड में उसको, आप उसको विक्ट्री ले लोगे उसकी, कि यार मैं इतना तो आराम से मटेरियल कवर कर सकता हूँ। लेकिन आपको दो प्रीवियस ईयर रहेंगी, थ्योरी बुक्स रहेंगी इतनी सी, आपने जो मतलब मॉक टेस्ट दिए होंगे वो रहेंगे आपके, तो आपके पास इतना सारा मटेरियल हो जाएगा ना, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसको रिवाइज करने की कभी। तो इन सब चीज़ों से ये फायदा होने वाला है कि लास्ट में आपका एग्जाम के लिए जब अप्रोच करोगे ना, लास्ट में चीज़ सिंपल होती जाएगी एकदम। ठीक है, तो इससे मुझे ये फायदा हुआ। ठीक है, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस साल मैंने एग्जाम दिया उस साल मेरी रैंक 1 आई, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा आता था, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजीज बाकी सबसे बहुत अच्छी थी। ठीक है, बाकी सिविल इंजीनियरिंग में मेरे से ज़्यादा जानने वाले बहुत बच्चे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी या तो एनर्जी को, नॉलेज को सही तरीके से चैनल नहीं कर पाया, या फिर उस चीज़ को परफॉर्मेंस में नहीं लेके आ पाए। लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, हार्डवर्क किया, और साथ में मेरी स्ट्रेटजीज इतनी अच्छी थी मेरे हिसाब से कि मेरा AIR बनाया। तो मेरे इसमें मैं अपने स्ट्रेटजीज का ही मैं ज़्यादा रोल बनाता हूँ, जो मैं प्लान्स बना रहा हूँ, प्लानिंग बता रहा हूँ, उसी चीज़ का ज़्यादा रोल मैं उसमें समझता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे शॉर्ट नोट्स बनाया हमने, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो चार सेट मैंने बताए थे ना, ये चार सेट हमेशा काम आने वाले हैं। ठीक है, 14 सब्जेक्ट्स को मैंने चार सेट में कन्वर्ट करने के लिए बोला, 25% इसमें, तो ये चार सेट आपको हमेशा काम करने आने वाले हैं। ये चार सेट हो गए और ये हमारी है कोई हैंडबुक। ठीक है, ये सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। ठीक है, ये धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो इसको मैं क्या करता था, इसको मैं 1 to 2 आवर किसी एक सेट को उठाता था, उस चीज़ को रिवाइज करता था प्रीवियस ईयर को, मतलब जो उसमें लिखा होता था उसी चीज़ को रिवाइज करता था। वो कैसे बनाने, वो बनानी है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इनको मैं बोलता था मिस्टेक कॉपीज अपनी। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक कॉपीज हैं। ठीक, ये चार मिस्टेक कॉपीज हैं, एक हैंडबुक है, इसके बेस पर मैं कोई भी एग्जाम दे सकता हूँ। ये सारे एग्जाम मैंने इन्हीं को पढ़ पढ़ के निकाले, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं था जो इनसे बाहर जाता था, सारा का सारा इसमें कवर होता था। ठीक है, अब क्या करना है, अब प्रीवियस ईयर लगाने का मैंने आपको तरीका बताया था कैसे लगाना है। जैसे मुझे, मैं IIT BHU से पढ़ा हुआ हूँ, आप कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो, किसी IIT पर पढ़े हो, वो आप पे डिपेंड करता है, तो उसका हिसाब से आपकी थोड़ी सी नॉलेज रहेगी। क्योंकि मैं जाता था तो कुछ नहीं पढ़ता था, तो फिर भी मतलब एग्जाम से पहले एक नाइट पहले तो सभी पढ़ते हैं, तो मेरा पॉइंटर एवरेज ही था, 3.8.37 मेरा पॉइंटर था, ज़्यादा पॉइंटर मेरा हैवी नहीं था, तो मुझे आइडिया रहता था क्या क्या करना है, फॉर्मुलेस मेरा थोड़े समय तक याद रहते थे। तो मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर जैसे लगाना, ये जो मैंने टाइम अलॉट किया है, ठीक है, तो इसमें जो कल जो चीज़ें पढ़ाई जानी है उस चीज़ का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखता था। ठीक है, उस चीज़ का बिना पढ़े, तो मेरे साथ क्या होता था, 10 से 20%, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 0% भी, तो वो 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते थे जो टीचर के बिना पढ़ाए या मेरे बिना पढ़ाए मेरे से बन जाते थे। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए बिना कुछ पढ़े हुए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपने टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उसी टाइम को, उसी प्रीवियस ईयर को दोबारा लगाना है। ठीक है, ये आपका सेकेंड अटैम्प्ट हो गया। ठीक, सेकेंड अटैम्प्ट हो गया, इसमें आपके लोग होंगे 70 to 80% आपके क्वेश्चन इसमें भी लग जाएंगे, 60 to 70 मान लो, या 70 to 80% मान लो, इसमें भी आपके 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं लगेंगे, जो आपको डाउट हो जाएंगे या टीचर से पूछने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पैटर्न था, इसको इस तरीके से डिवाइड करता था मैं। ठीक, अब मेरा ये था कि लास्ट तक मुझे सिंपल रखना है चीज़ों को, तो सिंपल रखने की मेरी टेक्निक ये थी, जैसे कि आपकी प्रीवियस ईयर थी, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैं इसको ऐसे करता था, मुझे एक बार से ज़्यादा इस बुक को यूज़ नहीं लेना है। ठीक है, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को, मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करता, इसको गोला बोला कुछ नहीं मारता, मैं इसको ऐसे करके एकदम गंदा सा काट देता था। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पेज में बाकी जगह आपका मतलब ध्यान जाएगा, इस जगह आपका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया, ठीक, ये वाले क्वेश्चन अभी नहीं काटने। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो माइंड होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत मतलब रखता है, आज जो पढ़ाया होगा वो हो सकता है आज याद रहे 4 दिन बाद याद ना रहे। तो आप क्या करो, एक संडे का डेट या फिर कोई भी दिन आप तय कर लो, ठीक है, तो जो भी उस 7 दिन में या 6 दिन में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए गए हैं, ये वाले पिछले 6-7 दिन में ये वाले जो क्वेश्चन हैं मेरे को दोबारा अटेम्प्ट देने, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन मेरे दोबारा हो जाते हैं उनको भी काट दो, ठीक है। अभी मेरे 4 क्वेश्चन बचे, ठीक। अब मुझे केवल और केवल इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बचेंगे आपके लेवल लेवल 20 से लेकर 30%, कोई कोई किसी के 40%, किसी के 50%, किसी के 10%, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक। आपका ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर में, ऐसे इस तरीके से आपकी प्रीवियस ईयर लगने लगेगी। प्रीवियस ईयर आपको पता है इतनी मोटी होती है, एक दो प्रीवियस ईयर इतनी मोटी होगी, आप उसको रिवाइज तो करना है। हर कोई बोलता होगा कि हमको एग्जाम देने से पहले 4-5 बार रिवाइज करना है, करना होता है कि नहीं करना होता है। तो आप चार इन मोटी किताब्स को आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। आप क्या करो, इन क्वेश्चंस को, ठीक है, जो भी रिलेटेड मिस्टेक बुक्स है उसमें आप डाल लो, ठीक है, उसमें आपको ये नोट हो गए। अब इसको आपको दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप उन मिस्टेक्स बुक्स में आपने अगर ये क्वेश्चन डाल दिया तो आपको यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप क्या करो, पूरी बुक को सॉल्व करके जो भी यहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे या जिसमें आप फंसते हो, आपका कोई नया फॉर्मूला आया है, कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, या फिर कोई फॉर्मूला बार बार आ रहा है और आपकी बार बार उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आपको उनको मिस्टेक बुक में डाल देना है, ठीक है। मिस्टेक बुक में डालने से क्या हुआ, आपको ये जो मिस्टेक, ये जो प्रीवियस ईयर होगा ना, आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना, आप इसको कबाड़े में बेच सकते हैं, आपके कोई काम नहीं आने वाली है। क्योंकि इसका जो भी मटेरियल होगा अच्छा, जो आपको सीखना है, आपको क्या करना होता है, एटलीस्ट मतलब एट लास्ट आपको क्या करना होता है, आपको अपनी मिस्टेक से सीखना होता है ना, तो आपको जो मिस्टेक्स थी वो आपने इसमें रख ली है, इसका कोई काम नहीं है, आप इसको चाहे कुछ भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट पेपर के साथ करेंगे सारे सब्जेक्ट्स का, ऐसे सेकंड पेपर के साथ करेंगे। फर्स्ट पेपर का मतलब फर्स्ट पेपर में जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर, बीएमसी, सोमिस्ट्री, आरसीसी, ये सारे सब्जेक्ट, तो इसमें 2 किताबों का ऐसे करके जो रेस्पेक्टिव सेट है उस सब्जेक्ट का, उसमें आप सारी मिस्टेक्स को नोट कर लीजिए, ठीक है। इन चीजों का आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। आपके शॉर्ट नोट्स बनने हैं हैंडबुक में, और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो इसमें आ रही है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल हो रहा है, कोई इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आता है, ठीक है। चलिए, ये तो आपको मैंने बता दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर मतलब डेली आपको कैसे रूटीन में लेना है इसको। सब्जेक्ट कवर करने से अब कुछ नहीं होगा, आपकी नॉलेज हो गई, आपने पढ़ पढ़ के छोड़ दिया सब कुछ, कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको देखना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका जो सिलेक्शन है सारा का सारा इस पर डिपेंड करता है, आपने कितने मॉक टेस्ट अप्लाई किए और कितने अच्छे से मॉक टेस्ट आपने मतलब लगाए हैं। तो आपका जितना भी सिलेक्शन होने वाला है मॉक टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है, कितना आप थ्योरी पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको एट लास्ट जो सिलेक्शन दिलाएंगे वो मॉक टेस्ट देने वाले, जितने मॉक टेस्ट दिलाएंगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना कम है, तो आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए। और मॉक टेस्ट को देने का तरीका है वो मैं बताता हूँ। तो मॉक टेस्ट एक तो ये होता है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अभी मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, वो छोड़ना नहीं है। क्लास मॉक टेस्ट आपको उसमें से, मान लो 3 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होने वाला है, उसमें से आपको 2 आते हैं, 1 आते हैं, आप देने जाओ उसको, देखे आओ। कभी भी कोई मॉक टेस्ट स्किप मत करो, जो यहाँ पे बैठ के ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें से कोई भी मॉक टेस्ट कभी मिस मत करो, ठीक है। तो आपको कोई मॉक टेस्ट पहले तो मिस नहीं करना है, ठीक है। और आपको देखना है मॉक टेस्ट में कितनी आपसे मिस्टेक्स हो रही है, मिस्टेक्स आपको करनी है, जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे उतनी ज़्यादा सीखोगे। मेरा जो था, आप ये मान लो कि अगर मुझे 100 नंबर या 110 नंबर का अगर मेरा मार्क्स आते थे ना 300 में से, मैं बहुत खुश होता था, क्योंकि मुझे पता है मेरी तैयारी अच्छी है, मुझे इसमें से 190 से लेकर 200 मार्क्स तक का सीखने को मिल जाएगा, मतलब इतना मेरे को गलत हुआ है, ये मेरी मिस्टेक्स हैं, इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। 200, 250 अगर मैं आ रहे हैं मेरे, तो या तो तुम बहुत अच्छे हो चुके हो, या फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो अब तुम्हारे लिए वो बचा नहीं है, अब उसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप ट्राई करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने का ये तरीका है, ठीक। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आपका सिलेबस है ना, वो एग्जाम से 1 मंथ पहले उसको कंप्लीट कर लो, आपका कुछ भी लास्ट मंथ के लिए नहीं बचना चाहिए। जो भी है, आप जैसे कि आपका जनवरी में एग्जाम है तो आप 1 महीने, जैसे मेरा 5 जनवरी को एग्जाम था, मैंने जो अपना डेडलाइन रखा था वो 30 नवंबर रखा था, लास्ट के महीने में मुझे कुछ नहीं करना है, लास्ट के महीने में कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो आपका डेडलाइन होना चाहिए ना, वो कम से कम 1 महीने का आपको समय देना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन कराएगा जो मॉक टेस्ट के बेसिस में, लास्ट के 1 महीने में ही आपको सिलेक्शन होना है, क्योंकि आप पढ़ते रहते हो, चीज़ें भूलते रहते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्शन होना है मॉक टेस्ट के बेसिस में होना है, तो और ये सब मॉक टेस्ट आपको स्टार्टिंग में तो लगाना ही जो क्लास में होते हैं, साथ में लास्ट में आपको एक अच्छे से मेहनत करनी है इस चीज़ों पर, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पर लगभग लगभग
सेकेंड पेपर के 30 से 35 फुल मॉक टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का क्या तरीका है? मॉक टेस्ट तरीके में मेरा कुछ रूल्स थे, जैसे एक 2 मिनट रूल था मेरा, अगर कोई भी क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, आपको ये स्टार्टिंग से लगाना पड़ेगा, जब आप सितंबर अक्टूबर में आपके स्टार्ट हो जाते हैं मॉक्स, आपको स्टार्टिंग से तब की लगाना है। अगर कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, अटैम्प्ट मत करो उसको, स्टार्टिंग में अटैम्प्ट कभी मत करो उसको, क्योंकि अगर 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब उसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपकी मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी, आंसर आपका नहीं आएगा। और साथ में अगर मान लो थोड़ा बहुत दूसरा वो आस पास वाला ऑप्शन आ गया, तो इसके गलत होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। साथ में क्या होगा, ये जैसे 5 मिनट ले गया तो बाकी के 3 या 4 मिनट बाकी के क्वेश्चंस को ले जाएगा, ये बाकी के क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो मेरा 2 मिनट रूल था, इस तरीके से मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप कर लिया था कि 2 मिनट से ज्यादा मेरे को दिख जाता था कि यार ये 2 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन लेगा, मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता था, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। जैसे आपको फुल टेस्ट देना है, तो फुल टेस्ट के लिए आप क्या करते हो, लास्ट में तो आपको OMR भर के देना है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या करते हैं हम, मार्केट से परचेज कर लेते हैं उनको, OMR नहीं भरते हैं, तो उसको आपको 3 घंटे नहीं देने पूरे, आपको देने 2.5 घंटे, 2.5 घंटे सिंपल कैलकुलेशन, 150 मिनट्स, अगेन 150 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट 1 मिनट मिल रहा है आपको, ठीक है। 1 मिनट में अगर मैंने 2 मिनट इसीलिए दे दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे मतलब थ्योरी टाइप के होते हैं, वो 10 सेकंड 20 सेकंड में भी हो जाते हैं, तो ये मैंने दे दिया। कोई भी मान लो कि 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें लाई करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग में 20-30 क्वेश्चन वाले नहीं देखने, बाकी के बाकी जितना भी आपको थ्योरी पोर्शन आपको दिख रहा है जो 10-20 सेकंड या 1 मिनट में अगर हो जाते हैं वो आपको अटेंड करने हैं। तो 2 मिनट से ज्यादा वाला रूल आपको फॉलो करना है, अगर आप करना चाहें, मतलब मैं करता था, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद क्या करता था, जैसे कि आपको अटेम्प्ट कितना लेना है, 150 क्वेश्चन का सेट है, तो आपको उसमें से मिनिमम 125 से 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, 120 से 135 ले लेता हूँ, ठीक है। आउट ऑफ 150 कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 80% हो गया ये, ठीक है। 80 से 90%, 80% ले लेता हूँ। आप कितने भी बड़े 30 मार्क का हो जाओ, आप कितने भी पढ़ लो, आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 85% से ऊपर नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो मैं नहीं बोल सकता, आपकी जो एक्यूरेसी होगी 85% से ऊपर नहीं जाने वाली, यहाँ पे अटक जाती हो, ठीक है। कुछ ना कुछ कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, 85% से कोई ज़्यादा होगा तो 90% चला जाएगा, 100% तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता मेरी एक्यूरेसी 100% है, कोई भी पेपर आएगा उसमें 100% आएगा। 85% एक्यूरेसी है आपकी, मतलब 85 मार्क्स आपके, अगर अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 85 मार्क्स आ रहे हैं सही से, इसमें से आपके 1/3 चले गए, ये 80 मार्क्स रह गए आपके, ठीक। जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे उसके 80% मार्क्स आने वाले हैं, तो अगर 80% क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो उसमें एक्यूरेसी इतना है, मतलब मार्क्स इतने आते हैं, तो ये आपके 64% रह जाते हैं, तो 300 में से आपके 192, ठीक है, इतने मार्क्स आने वाले। इतना कुछ करने के बाद भी जो आपने टारगेट रखा था ना पहले 200 का या 220 का, इतना भी उसमें भी आप अभी शॉर्ट रह रहे हो, 10 नंबर 20 नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतना तो अटेम्प्ट लेना ही लेना है कम से कम, और आप एक्यूरेसी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे अगर आप इसको मान लोगे ना, मेरी 100% एक्यूरेसी है, तो आप मान लोगे मेरे 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे 260 नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी इतना ही लेके चलना है। आप एग्जाम करके आओगे वो तो आपकी एक्यूरेसी आप पहले से पता नहीं होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इतना एक्यूरेसी लेके चलना है, और आपको लगभग लगभग 80 से 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सेकेंड पेपर में, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आपको देना है, मॉक टेस्ट दे दिया आपने, मॉक टेस्ट कभी स्किप नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, मॉक टेस्ट देने का भी एक तरीका है, जैसे ये जो मैंने क्रॉस वाला रूल बताया था ना, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपका जो क्वेश्चन होते जाए उसको क्रॉस कर दो, जो भर दिया आपने उसको हटा दो, पेपर आपका छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, आपका 1/3 पेपर रह जाएगा, आपको ढूंढने में ऐसे कट जाता है ना, तो आप बाकी की स्पेस देखते हो केवल इन चीज़ों में, बाकी यहाँ आपका ध्यान कभी जाएगा नहीं, ये आपका अटेम्प्ट हो चुका है तो यहाँ जाएगा नहीं। आपको जब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 1 को लगाते, 1st को लगाते हैं, उसमें थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल जाते हैं, उसके बाद हार्ड न्यूमेरिकल्स जाते हैं, ऐसे 4th गो में एकदम जो बिल्कुल ही नहीं आते वो लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2-3 गो में पेपर सेट मतलब सॉल्व करते हो तो ये आपको स्ट्रेटेजी बहुत हेल्प करेगी, साइकोलॉजिकली आपके माइंड को एक तरीके से, मान लो 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा सही कराएगी। इनको काट दो, ये हो गया, ये काट दिया, ये काट दिया, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। मैं पेज पलटूंगा ना तो मुझे ये 3 दिखेंगे, ये नहीं दिखेंगे,
ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा माइंड जो होगा वो इतना ढूंढने में कुछ नहीं करेगा, पहले कोई गोला कर रखा है हमने, इसको मार कर दिया, इसको गोला कर दिया, इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं काट देता था उसको, देखने में मेरे को आसानी होती थी। इससे आपको धीरे इंप्रूवमेंट आपको मालूम चलेगा, आप कुछ दो चार मॉक दोगे ना, आपको इन सब चीजों से इंप्रूवमेंट पता चलेगा। तो आपको इस तरीके से मॉक देना है। अब ये मॉक आपने देखे आगे, यहां तक आप अगर इसको छोड़ देते हो ना, तो आपके मॉक देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉक का जो अब असली जो मीनिंग होता है ना, मॉक में तो आप क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करके आए जो आप आया है, जो आपको आ रहा था, आपको जो नहीं आ रहा था तो आपने कुछ उसमें इंप्रूव तो किया ही नहीं, जो आपको आ रहा था उसको आप सॉल्व करके चले आए, उसने आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया। तो असली काम जो होता है वो अब स्टार्ट होता है। मॉक लेके आया, मॉक में आप देखो उसको मिलाओ, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, गलत क्वेश्चन क्या गलती है उसमें, मान लो मेरा फॉर्मूले में कुछ गलती हो जा रही है, मेरी एक बहुत छोटी गलती होती थी, तो स्टोक्स लॉ में नीचे जो जी आता था वो भूल जाता था, नीचे नहीं ऊपर जी आता था, अभी भूल रहा हूँ, ठीक है, जी जो आता था मैं उसमें बहुत बार भूल जाता था, ये मेरी एक दो बार नहीं बहुत बार गलतियां होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ अलग पूछ लेता, कभी कुछ अलग पूछ लेता था, तो ये मेरी एक दिन बहुत माइनस की मिस्टेक्स थी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन का मिस्टेक में आप कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये जो मिस्टेक है वो आपकी ग्रेजुअली जाएगी, आपकी जितने मार्क ज़्यादा देंगे, जितना आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे कैलकुलेशन में, उतना ये मिस्टेक्स का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर इसमें कोई खास पैटर्न हो रहा है, जैसे मैं डिवाइड करने में या फिर कुछ करने में पहले, जैसे 12 12 + 13, या मैं इसको छोटा बना देता हूँ तो इसको डिवाइड करके तब ऐड कर देता हूँ, इस तरीके का कोई खास पैटर्न से अगर आपका मिस्टेक हो रही है तो वो आप इसको देख सकते हो, नहीं तो जो मिस्टेक्स होती है ना वो आप उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा लास्ट में इंप्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कुछ जो नए फॉर्मूलेज हैं मॉक, मैंने लास्ट ईयर के कुछ मॉक टेस्ट पेपर सेट किए थे, तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता था जो बच्चों ने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं होगा, नए फॉर्मूलेज होते थे, क्योंकि कुछ इसको पैसा भी होना चाहिए जो बच्चों को नया कुछ फॉर्मूला पता चले। एक मॉक टेस्ट 150 क्वेश्चन का है, उसमें से दो चार ऐसे कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए जो पता चलनी चाहिए, तो उसमें से कुछ चीज़ें नए कॉन्सेप्ट होंगे, नए फॉर्मूलेज होंगे, डायरेक्ट आप इसमें लेके आइए उसको। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको, जो भी मिस्टेक्स होनी है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें आप उसको लेके आइए। ठीक है, अभी लास्ट में हर कोई बोलता है कि आपको मॉक आपने दे दिया, उसको मॉक में जो गलतियां हुई आपको रिवाइज करनी है, आपको इन मॉक का आप कोई काम नहीं है, आपने जितनी मिस्टेक्स करी थी ना सारी इसमें आ चुकी है, आपका जो 30 मॉक देंगे ना इतना ढेर हो जाएगा, वो उतना ढेर अब खत्म होके केवल 4 कॉपीज में आ चुका है। ठीक, तो आपको इन मॉक की कोई बात नहीं है। ठीक है, जितना ही मॉक देना है, मॉक देने के बाद उनमें जितनी मिस्टेक्स हो रही है वो लिखना है, कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको लिखना है, नया फॉर्मूला आ रहा है उसको लिखना है, कोई फॉर्मूले लगाने में कोई स्पेशल गलती हो रही है वो उसमें लिखनी है। गलती लिखने का भी तरीका है, आप ऐसा नहीं है कि जैसे आपने गलती किया उसको जिस तरीके से यहाँ सॉल्व किया था ना, जो गलत सॉल्व किया था वहाँ उसको सॉल्व करो, उसमें मार्क करो कि यहाँ गलती है, या मैंने नेगेटिव ले लिया या पॉजिटिव लेना है मुझे, या फिर यहाँ पे मेरे को डिवाइड करना था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले गलत सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद उसका सही सॉल्यूशन लिखो, ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन में मेरी ये गलती होती है। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो आपका गलती ये दोबारा होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको ये सारी मिस्टेक से ही ओवरकम करना है। ठीक, तो यार ने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट का जितना भी था आपने इधर कर लिया, ठीक है, ये आपका एनालाइज हो गया आपका पूरा मॉक टेस्ट का इस तरीके से। ठीक, और आपको जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन पेपर होता है, कुछ लोग क्या करते हैं पीछे 2 पेज दे रखे होते हैं उनमें आप सॉल्व करते हैं, वो नहीं करना है आपको, इनके बीच में जो जगह होती है ना, यहाँ पे जगह होगी, यहाँ जगह होगी, आपको ट्राई करना है मिनिमम स्टेप्स में, मिनिमम स्टेप्स होंगे तो कैलकुलेशन भी आपकी कम होगी और यहाँ पे आपको पेज प्लेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो विद इन द लाइन्स स्पेस होता है ना, आपको सबको यहीं सॉल्व करना है, बाबा पेज प्लेट के आपको पीछे नहीं जाने का। ठीक है, आपको एडिशनल पेज ये भी आदत नहीं डालनी है, मुझे एडिशनल पेज लेके मैं उसमें सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो इधर जो स्पेस है आप उस पर सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं हो रहा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व भी नहीं करना, ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, अगर तुमको करना भी है तो पीछे जाकर कर सकते हो जहाँ स्पेस खत्म हो जाती है। ठीक है, सिंपल है, अभी तक सिंपल हो रहा है कुछ? ठीक है, एक चीज़ में और एनालाइज करनी है आपको, जब आप मॉक देने जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मॉक गलत हो रहे हैं, किन सब्जेक्ट में अटेम्प्ट गलत हो रहे हैं। जैसे मैं कभी कभी गैस करता हूँ तो कम मार के आता हूँ, तो कोई सब्जेक्ट तो होगा उसमें मेरा 75% तक एक्यूरेसी जा रहा होगा, कोई सब्जेक्ट होगा जो मेरे को मार्क्स नेगेटिव, उसका 10% या 20% एक्यूरेसी है। ठीक है, तो मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, दोनों सब्जेक्ट्स को एक्चुअल एग्जाम में, आगे एक्चुअल एग्जाम में नहीं, आगे के मॉक मेरे को ये ट्राई करना है कि जिसमें मेरा एक्यूरेसी ज़्यादा आ रहा है उनमें मैं गैस वर्क करने की, उसमें तुक्के मारने की कोशिश करूँ, इनमें मुझे इनको छोड़ देना है, अगर ये आ रहे हैं तो करने हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं करने हैं, सिंपल सी बात। तो ये आपको एनालाइज करके दो चीज़ें करनी है, एक तो मिस्टेक्स को उसमें पहुंचाना है और आपको ये चीज़ें और एनालाइज करनी है।
कौन सब्जेक्ट आपको आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, कौन से में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बैठ रही है, कौन से में आपकी एक्यूरेसी कम बैठ रही है। तो ये आपका हो गया सेकंड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपका आपको मॉक देना है, ऐसे फर्स्ट पेपर में जितना ज़्यादा मॉक देंगे उसका भी ये है, उसमें तो आपका एक या दो कॉपी से काम चल जाएगा, उसमें भी यही करिए मॉक दीजिए। फर्स्ट पेपर में आपको ये स्पेशल स्पेशल चीज़ ये याद रखनी है, आपको मिनिमम 80 to 90 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट देने हैं। आप 50-60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आ सकते वहाँ पे, 50-60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे आपके 50-60 मार्क्स से जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी लिख के देता हूँ, आपको मिनिमम 80 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। आपको इसमें से 89 क्वेश्चन में से आपको 45-50 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए लग रहे होंगे, बाकी के 50 क्वेश्चन को आपको कोई आइडिया नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि बाकी के जो 45 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको वो गैसिंग करना है, वो मतलब ब्लाइंडली गैस नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के कि इसके दो ऑप्शंस गलत हो गए, दो दो में से कोई हो सकता है, इनके तीन ऑप्शंस गलत हो गए तो ये तो सही हो ही गया, एक ऑप्शन गलत हो गया इसका, तीन ऑप्शंस में भी कुछ होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो आप 1 या 2 उसमें से ऑप्शन कट भी जाते हैं ना, ट्राई करो उसको। ठीक है, इसमें भी आपको सेम करना है, जैसे मान लो एथिक्स के आपके क्वेश्चन, किसी किसी का एथिक्स बहुत बुरा होता है, ठीक है, वो कुछ भी सोचेंगे ना कि यार इस चीज़ का तो यही होना चाहिए, वो कभी नहीं होता है उस चीज़ का, तो आपको क्या करना है वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, कौन सब्जेक्ट में मेरी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, कौन सब्जेक्ट में मेरी एक्यूरेसी खराब आ रही है। जिस सब्जेक्ट में एक्यूरेसी अच्छी आ रही है उसके ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें एक्यूरेसी खराब आ रही है उसमें मैं कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से और इसमें जो भी जो मिस्टेक्स होंगी ना उसको मैं एक कॉपी बना लूंगा, लगभग 300 पेज की, 30-30 पेज डिवाइड कर दो, ज़्यादा उसमें कुछ मटेरियल मिलता है नहीं, तो 30-30 पेज डिवाइड करके हर एक को मिस्टेक्स को यहाँ पे आप नोट कर लो। मिस्टेक्स क्या, यहाँ पे तो नए नए टर्म्स आते हैं, कुछ डेफिनेशंस आती हैं, कुछ आती हैं, इनको आप नोट करते रहो इसमें, तो आपकी एक ये कॉपी हो जाएगी फर्स्ट पेपर के लिए, और 4 ये कॉपी हो जाएंगे और एक हैंडबुक हो जाएगी। तो आपको इसी तरीके से आपको एनालाइज करना है और सारा चीज़ों को ना इन्हीं चीज़ों में लेके आना है। अब लास्ट टाइम पे क्या करोगे, लास्ट का जब आपका 1 महीना बचेगा ना, तो आप पैनिक की कंडीशन में नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपका इन चीज़ों में आपका मॉक भी कवर हो रहा है, प्रीवियस ईयर भी कवर हो रहा है, इसमें आपका जो भी क्लास नोट्स है सारे कवर हो रहे हैं, तो आपको पैनिक की कंडीशन एकदम नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट में यही सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि मैंने तैयार सब किया था, मैंने सब कुछ पढ़ा था, जब मैंने पढ़ा था 4 महीने पहले मैंने सब आता था, मेरे को प्रीवियस ईयर भी लगा लिए थे, मैंने उसकी वर्कबुक भी मेरे को लगाने को मतलब अच्छे से लगा लेता था, लेकिन अब मेरे से नहीं हो पा रहा, उसको दोबारा उठा रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है। तो इन सब से क्या होगा ना, ये छोटा हो गया, इतना सा आराम से आप पढ़ सकते हो। तो मैंने एक आपको स्ट्रेटजी बताई थी डेली में, ठीक है, डेली स्ट्रेटजी में बताया था मैंने, लास्ट में जब शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद 1 से 2 घंटा किसी एक सेट को देता था, तो ये सेट में मटेरियल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक किसी सेट को उठाओ, उसमें 4-5 सब्जेक्ट्स होंगे, 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसको रिवाइज करो। इसको रिवाइज करने से क्या फ़ायदा होता है, ये जो माइंड है एक तरीके से क्या कहते हैं, आप थ्योरी बुक पढ़ने जाओगे ना, थ्योरी नोट्स पढ़ने जाओगे, क्लास नोट्स, बोर हो जाता है इंसान, केवल वो चीज़ें पढ़ता है जो उसको आती हैं, वो चीज़ें उसका दिमाग अपने आप स्किप करता जाता है जो उसको नहीं आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इन कॉपीज में आप क्या कर रहे हो, इन कॉपीज में केवल और केवल वो चीज़ पढ़ रहे हो जो आपको नहीं आती है, तो आप इसमें से अगर 20% या 30% या 50% भी आप उसमें से गेन करोगे ना, तो आपको पॉजिटिव आउटकम लेके आएगा। थ्योरी बुक्स में से आपको अगर कुछ भी पढ़ोगे तो आप जो चीज़ें पहले से आती है वही आप पढ़ते रहोगे बार बार, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो आप नहीं पढ़ोगे, और इसको आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि मैंने थ्योरी मतलब सब रोट्स रिवाइज कर लिए हैं, मेरे को मतलब सब कुछ आता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो काम करना है ना वो मिस्टेक्स पे काम करना है, इस पे काम नहीं करना है। तो ये आपकी 4 सेट्स और ये हैंडबुक बताया ना मैंने, आपको इस चीज़ पे करना है। तो लास्ट में आते 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 आपका इतना सिंपल हो चुका है ना एग्जाम, प्री के लिए आपको एकदम कुछ नहीं होगा, कुछ डर नहीं लगेगा। अब मैं लास्ट 30 डेज का कुछ बताता हूँ, लास्ट 30 डेज में क्या करना है। मैंने बताया था आपको सिलेबस 1 महीने पहले अगर हो सके तो सिलेबस खत्म कर लेना है पूरा का पूरा। ठीक है, लास्ट के 30 डेज में आपको डेली एक मॉक देना है टेक्निकल का फुल लेंथ। आपको कोचिंग वाले रहेंगे वो तो आपको सेंटर्स में जाकर देने पड़ेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, मार्केट में अगर जाओगे तो इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का 21 का भी मिल जाएगा, 22 का भी मिल जाएगा, 19 का भी मिल जाएगा, 20 का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उनको परचेज करो, उनके बाद आपके बहुत सारे मॉक हो जाएंगे आपके। ठीक है, उन मॉक्स को आप लास्ट के 30 महीने की स्ट्रेटजी, ये चीज़ है, अगर यहाँ पे आपने जो मेहनत करी है, जितनी भी मेहनत करी है आपने यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करी, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। मैं सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ना होने की मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपने 30 महीने 3 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया ना, आपका एकदम सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट 30 में क्या करना है, 30 से 35 तो टेक्निकल के लगाने हैं, एक डेली 30 मान लेते हैं, एक आपको टेक्निकल डेली लगाना है। ठीक है,
और आपको टाइम मिले तो 10 से लेके 12 फर्स्ट पेपर के। और फर्स्ट पेपर में आपको मार्क्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, जितने भी आ रहा है ठीक है, आपको इसमें अटेम्प्ट देखना है, अटेम्प्ट देखना है। अटेम्प्ट आपका 80+ अटेम्प्ट होने लगे, 85, 80+ 5+ अटेम्प्ट होने लगे। अटेम्प्ट देखना, नंबर भी थोड़े ठीक ठाक आ जाए तो ठीक है, मतलब 190 अगर क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको इसमें अटेम्प्ट देखना है, तो ये आपको कम से कम लगाना है लास्ट के 30 डेज में, ठीक है। 30 डेज में क्या करना है, और जैसे कि मैं 1 घंटे का ब्रेकडाउन करता हूँ, लास्ट का 1 महीना है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो आपको लगभग मान लो आप 12 से लेकर 14 घंटे पढ़ रहे हो, क्लासेस तो बंद हो जाती हैं लास्ट में, 12-14 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए, अगर आप मतलब आपको एग्जाम निकालना है तो 12-14 घंटे आपके लिए कुछ नहीं है, 12 घंटे निकाल सकते हो। आप इसमें क्या करोगे, 2.5 घंटे आप मॉक दोगे, ठीक है। 2.5 घंटे मॉक देने के बाद आप ब्रेक ले लो, एक 15 से 30 मिनट का मॉक देने के बाद, ठीक। उसके बाद उसको एनालाइज करो, आप एनालाइज करने के लिए आप 1 से लेकर 1.5 घंटा तो उसको दे दो, एनालाइज करो अच्छे से, सारा का मटेरियल उसमें पहुँचा दो, इसको फेंक दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 1 सेट लो डेली, कोई भी 1 सेट उठाओ, उसमें से 1 सेट डेली उठाओ, 4 से 5 घंटे दो उसको, ठीक है। 4 से 5 घंटे दो, उसको रिवाइज करो सेट को पूरा। एक सेट को रिवाइज करने में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, कितने भी लग सकते हैं। तो आप 2 दिन में से हो जाता है, 3 दिन में हो जाता है, उसको रिवाइज करो डेली, ठीक है। और साथ में एक से लेकर दो घंटे के अलावा आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पेपर का कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, उसकी रीडिंग करनी है, जस्ट रीडिंग, रटना नहीं है, रीडिंग करनी है, ठीक है। आप अंडरलाइन कर रखे होगे, आप मतलब 5 4 5 5 पढ़ लोगे ना, तो आपको कीवर्ड से मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा फर्स्ट पेपर में। तो आपको वो चीज़ें केवल पढ़ती रहनी है, ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ को रट्टा मारे पढ़ाऊँ रट्टा मारे पढ़ाऊँ, वो नहीं करना है आपको, केवल पढ़ना है उस चीज़ को, ठीक है। तो आपका लास्ट 30 डेज का ये ब्रेकडाउन हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है लास्ट के 30 डेज में, ठीक ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखनी है आपको, ये मॉक दे रहे हैं ना आप, ये इसमें आपका कोई कभी ऐसा होगा कि किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए जो टीचर ने नहीं पढ़ाया है, या फिर कोई एक टॉपिक जो टीचर ने पढ़ाया है लेकिन उसमें ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, इस 2.5 घंटे के बाद कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के उस टॉपिक को थोड़ा सा, या थ्योरी बुक से या कहीं से भी किसी मटेरियल से, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपको लग रहा है कि हर एक लगभग मान लो कि 300 क्वेश्चन, मतलब 2 मॉक टेस्ट में एक बार ये क्वेश्चन आ रहा है, मेरा गलत हो जा रहा है, तो मुझे क्या करना है, इन सब चीज़ों का एक उस टॉपिक को स्पेशली लेके उस चीज़ को मतलब एक तरीके से मेरे को देख लेना है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें क्या चीज़ कॉन्सेप्ट लगते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट है, वो देख लो उसको, आधा 1 घंटा निकाल के उस चीज़ को मतलब देख लो। ऐसा नहीं करना है कि हो रहा है उसको छोड़ दे, नहीं, अभी 30 दिन का समय है आपके पास, आप कर सकते हैं, आधा 1 घंटा निकाल सकते हैं उस चीज़ के लिए भी, ठीक है। तो ये 30 डेज की आपकी इस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है, एग्जाम से पहले 1 दिन पहले। इन सब से क्या करो आप, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी लास्ट के 30-35 दिन में पता चलेगी, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है उसका, उसके एक्सट्रीम शॉर्ट नोट्स बना लो, एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर A4 या 2 A4 पेपर, ठीक है, ऐसे बना लो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। ऐसे ही आपके पास 20-30 पेपर हो जाएंगे, ये एक्सट्रीम शॉर्ट नोट्स हैं आपके। पेपर से 1 दिन पहले के आपको केवल कुछ नहीं करना है, सब छोड़ दो, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने सब कुछ मतलब अच्छे से किया, आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपको बस ये एक्सट्रीम शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, 3 4 घंटे में हो जाएंगे, बाकी दिन आपको पूरे दिन रिलैक्स करना है, कुछ नहीं करना। आप जाओ एग्जाम सेंटर घूम के आओ, यहाँ पे भी है 1 दिन पहले, जिस दिन अगले दिन एग्जाम होगा आपको रात में नींद नहीं आएगी, लिख के दे देता हूँ, अगर आप सिंसियर रहे होगे, आपको ये चीज़ से फ़र्क पड़ता होगा, रात में आपको नींद आने के चांसेस बहुत कम है, आपका दिमाग कुछ ना कुछ सुस्त रहेगा। तो आप इस चीज़ के प्रिपेयर रहना कि आपको जगे हुए नींद में आपको पेपर देना है। आपका जो पेपर होता है जनवरी के टाइम में होता है, अगर आपका दिल्ली में सेंटर पड़ रहा है, सुबह के टाइम बहुत ठंड रहती है, वहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुँचना है, सीट पे सेटल हो जाना है, हाथों को रब करते रहना है, ठीक है, जिससे कि आपका ऐसा नहीं हो कि हाथ कांप रहे हैं इस तरीके से आप गोला बनने में, आपका स्टार्टिंग का टाइम आपको सेटल हो जाना है, वहाँ के इन्वायरमेंट को अडोप्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले पहुँच जाना है उस चीज़ को, ठीक है। एग्जाम हो जाए आपका, एग्जाम से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, जो तुम्हारा इन्विजिलेटर हो उसको 5 मिनट पहले एग्जाम कॉपीज देने के लिए, मेरे साथ ही गलती हुई, मैंने फर्स्ट पेपर में 89 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ठीक है, सेकेंड पेपर में मैंने 134 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ठीक। इसमें 2 घंटे का पेपर होता है ना, 2 घंटे से पेपर से पहले 5 या 10 मिनट पहले एक और बेल बजती है, तो पेपर तब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसने हमारे जो था उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जब ये 2 घंटे वाली बेल बजी तब उसने पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, वो भी बहुत धीरे धीरे, तब उसने सील खोली, तब किया, 10 मिनट खा गया, टीचर को बोलो कि 5 मिनट पहले हमको कॉपी सबको पेपर से भर जाने चाहिए, ठीक है, केयरफुली भरना है। सेट नंबर मेरा गलत हो गया था, जो सेट नंबर होता है ना, क्योंकि जब आपको OMR पहले मिल जाती है, सीट पहले मिल जाती है आंसर भरने वाली, तो आप क्या करते हो, आपको तब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होता है,
तो ये जो क्वेश्चन पेपर वाला जो कोड होता है ना, वो आप तब नहीं भरते क्योंकि तब आपके पास पता ही नहीं कौन सा होने वाला है। लास्ट में क्या करता है, कभी कभी रह जाता है कुछ लोगों का, ठीक है। तो आपको ये आपको अच्छे से चेक करना है, क्योंकि अगर आप ये भरना भूल गए ना, सारी मेहनत आपकी गई, कुछ नहीं करना है। तो ये रिलैक्स भरना है आपको, OMR अपनी अच्छे से भरनी है, ठीक है। 2 घंटे का एक फर्स्ट पेपर होगा, 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना, आराम से आपको कुछ खाना, लाइट खाना खाओ, और उसके बाद 3 घंटे का पेपर दो आराम से, ठीक है। मैं क्या करता था, जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो पेट में अजीब होने लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि यार मेरे को वॉशरूम जाना, वॉशरूम जाना। तो मैं हर एक एग्जाम से पहले, मैं जब से 12th में था, तो मेरे पापा ने मेरे को आदत पढ़ा दी थी, वो लूज मोशंस की मेरे को गोली दे देते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, मेरा पेट में जो भी मोशंस होती थी ना, वो सारी बंद हो जाती थी, वो पेट का प्रॉब्लम खत्म हो जाता था। कुछ लोगों को इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ये कर सकते हैं, आपका एग्जाम हो गया, अच्छे से आपने मेहनत करी है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी साल मेहनत करी है, आपने मतलब ऑनेस्ट होकर मेहनत करी है, आपका जैसा मतलब क्लासरूम में आपका रिजल्ट आते थे, वैसा ही रिजल्ट वहां आएगा। ESC में ऐसा नहीं होता है कि यहाँ का पेपर अलग है, वहां का पेपर अलग है। 300-150 क्वेश्चन यहाँ आने, 150 क्वेश्चन वहां आने, 3 घंटे यहाँ मिलने, 3 घंटे वहां मिलने, ठीक है। प्रेजेंट सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। आपको क्या करना है, बस आपको ये सोचना है कि जैसा मैं डेली एग्जाम देता हूँ ना यहाँ बैठ के, वैसा ही मेरा एग्जाम है। मुझे कुछ स्पेशल, मेरा यूपीएससी, यूपीएससी में ये सबसे बड़ी दिक्कत मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं। जैसे पैनिक करने में क्या करते हैं ना, वो कि कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसको डबल चेक करने लगते हैं, कैलकुलेशन मेरी सही है कि नहीं है, मेरा असली एग्जाम हो रहा है, मेरा कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तो मेरा 2 नंबर चले जाएंगे। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप जैसे यहाँ बैठ के लगाते थे ना, बेधड़क बेखौफ होके, होगा सही तो होगा, खत्म होगा तो मतलब नहीं होगा तो देख लेंगे अगली बार, तो वही सेम अप्रोच आपको यहाँ करनी है। अगर आप यहाँ पे डबल क्रॉस मतलब डबल चेक करने लगते हो ना, तो आपका जो अटेम्प्ट यहाँ पे 130 140 का अटेम्प्ट हो रहा होगा, वहाँ 110 120 का रह जाएगा। ये चीज़ आपको सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी अगर आपके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कम रह गए। अगर आपने बार बार डबल चेक किया चीज़ों को, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट कम रह जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम कम पड़ जाएगा गारंटी से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, जैसे आप यहाँ देते हो ना, आप सेम कॉन्फिडेंस के साथ, होगा गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, होगा सही होगा सही, ठीक है। डबल चेक नहीं करना है आपको, ज़्यादा उसमें वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका ये पेपर हो चुका है, अब इसमें आप क्या करो, ठीक है, आपका एग्जाम हो गया, एक दिन का रेस्ट करो, रिजर्व करते हो आप, बहुत मेहनत करी है आपने पिछले 8-10 महीने, रेस्ट करो, ठीक है। रेस्ट करने के बाद क्या करो, एक दिन बाद क्या होते हैं, ज्यादा जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं, सारे के सारे आंसर कीज अपलोड कर देते हैं, ठीक है। आंसर की आप अपना मिलाओ, आप अपने मार्क्स देखो दोनों में मिला के, ठीक है, दोनों में मिला के आपके, मान लो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही ये लोग डिक्लेयर कर देते हैं, लगभग 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे उतना ही रहता है, सही है। आप अपने मार्क्स देखो कितना मार्क्स से आ रहे हैं, मान लो आपकी कट ऑफ जा रही है 270 की, ठीक है, जनरल की आपके आ रहे हैं 280, आपके आ रहे हैं 290, आपके आ रहे हैं 300, आपके आ रहे हैं 310, बहुत अच्छी बात है, आपके आ रहे हैं 260, 250, 240, ठीक, कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हो, आपके आ रहे हैं 200, 150, 180, ठीक है, और आपके आ रहे हैं 100, 125, 150, 4 केस हो गए। मेंस तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी करना है मेंस की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो ना हो मेंस की बैच जरूर ज्वाइन करो। इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा इतना अच्छा कि आपको मोटिवेशन मिल जाएगा उस चीज से। आपको अगर मान लो कट ऑफ क्लियर नहीं भी हो रही, लेकिन आपको लग रहा है कि आप थोड़े से मार्क्स से रह रहे हो, मेंस का बैच ज्वाइन कर लो। आप ये मत सोचो कि मैं 1 साल के लिए प्रीवियस ईयर दोबारा तैयार करूंगा, मेंस का बैच ज्वाइन करो। मेंस का बैच 5-6 महीने रहता है और 6 महीने प्रैक्टिस के लिए काफी है। जून में अगर आपका मेंस हो जाता है तो 6 महीने उसके बाद जो मिलेंगे आपके लिए, उसके बाद दोबारा से प्री की तैयारी करने के लिए वो काफी रहेंगे। मेंस का बैच ज्वाइन कर लो। ये बच्चे हैं, मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं अगले साल इंप्रूव करूंगा अपना, या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, मैं बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, मेंस बैच ज्वाइन कर लो। इसको खुद को सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, यहाँ पे क्या मैं इस एग्जाम के लिए बना हुआ हूँ, मैं कितना एफर्ट डालूंगा कि मैं 100 नंबर से 270 पे पहुंच जाऊंगा। हो सकता है ये एग्जाम मेरे लिए ना बनाओ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को, मैं रियलिटी ऑनेस्ट रहना है आपको हमेशा। आप 20, 22, 23, 24, 25 साल के हो चुके हो, आप ये नहीं करना है मैं अपने पापा को, मम्मी को मैं कुछ भी बोल दूंगा, मैं अपने टीचर्स को कुछ भी बोल दूंगा, उनको तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको करियर खुद बनाना है अपना। तो आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है, खुद को ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है हमेशा, कभी अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। मैं कितनी एफर्ट और लगा सकता हूँ इसमें, क्या एग्जाम ये मेरे लिए बना हुआ है, 100 मार्क्स से आप 270 पे, मैं बोलता हूँ मेहनत करोगे तो पहुंच जाओगे, बहुत कम चांस है। 0.1% यहाँ पे सिलेक्शन रेट है, सिविल में 50,000 बच्चे बैठते हैं, मतलब 50,000 तो फॉर्म पड़ता है, वैकेंसीज कितनी रहती है,
अभी तो 100 के अंडर रह रही है ना, तो कितना रह गया, 0.1% की भी कम है, ठीक है। तो इतना कॉम्पिटिशन है कि तो मैं कितना कर सकता हूँ क्या, तुम क्या करो अदर ऑप्शन की ट्राई करो, ठीक है। अगर मान लो आप SSC JEE या किसी स्टेट इंजीनियरिंग का कुछ आप ट्राई कर सकते हो, या फिर किसी और फील्ड में आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी चीज़ के लिए, आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो कि अगर मैं लगता है कि वहाँ मैं 150 नंबर आया है, मेरे 270 पहुँचा दूंगा अगली साल, जरूर ट्राई करो। लेकिन अगर ब्रदर तुमको लगता है कि यार मैं अच्छे, मैंने अपना 100% दिया, मेरे इतने कुछ ना मार्क्स रह गए या 150 रह गए, 125 रह गए, देखो क्या कर सकते हो उस चीज़ को देखो, ठीक है। बाकी सारे लोग मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा मेंस ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेंस आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो फर्क नहीं पड़ता, मेंस बैच ज्वाइन करो। मेंस बैच ज्वाइन करने से क्या होता है, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सारे एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, आपको प्री में उसका बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आप एक बार मेंस बैच कर लोगे ना, इन सब चीज़ों में आपको बहुत फायदा मिलेगा, स्पेशली गेट में, जो गेट करते हैं ना उनके लिए। अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो गेट में आपको, मेरा एक दोस्त था, मेरा दोस्त मतलब हम 6 साल से रूम पार्टनर से, तो उसका भी ESE निकल गया है, उसका 90 रैंक आया है। उसने क्या किया, उसका ESE निकल गया, हमारा जो ESE का पेपर था वो 18 अक्टूबर को हुआ था शायद, 18 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। उसके बाद 2021 का जो गेट था वो 10 या 11 अगस्त को ही होता है हमेशा, तब 2021 को गेट का पेपर था। इसने मेंस वगैरह कर रखा था, सब कुछ कर रखा था, इसने कुछ नहीं किया, केवल प्रीवियस ईयर लगाया और MEDEG का मॉक टेस्ट सीरीज लेके, मतलब टेस्ट सीरीज लेके 10-12 15 मॉक लगा दिए होंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, ऐसे मजे में पढ़ता रहता था, कुछ नहीं करता था। 2021 का गेट दिया, वो 50 रैंक आ गई उसकी। ये होता है मेंस की तैयारी करने का, क्योंकि मेंस से आपको ना जितने भी आपके सारे कॉन्सेप्ट होंगे सारे इतने अच्छे तरीके से पॉलिश हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको गेट में सारे एग्जाम्स में, आपको कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होगा, आपको सब में उसका फायदा मिलने वाला है। तो ये सारे लोग क्या करो, मेंस का बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेंस का बैच आपका जैसे कि स्टार्ट होता है प्री, जब खत्म हो जाएगा ना, तो प्री खत्म होने के, मतलब प्री का एग्जाम होने के लगभग 30-40 दिन बाद आता है, ठीक है। 30-40 दिन बाद रिजल्ट आता है, 30 दिन बाद रिजल्ट आता है, तब तभी तो शायद स्टार्ट होता है, तो कुछ समय आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे कि आपको लग गया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो रहा है या फिर मेरे को मेंस का बैच करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत दिनों से घर नहीं गए होगे या फिर कहीं घूमने फिरने नहीं गए होगे, तो 5-6 दिन का छुट्टी ले लो, 5-6 दिन घूमने फिरने जाओ, किसी वैकेशन पर जाओ, घर जाओ, घर वालों से मिलो, या फिर कहीं घूमने, मतलब जो भी करना है आपको करो, आप इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। लौट के आओ, तैयारी में लग जाओ, ठीक। प्रीवियस ईयर 25 साल का प्रीवियस ईयर आपको रहता है, ठीक है। एक साल में 2 पेपर रहते हैं, कितने पेपर्स हो गए, 50 पेपर, ठीक है। सेम काम आपको डेटा से काम करना है। अब डेटा आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो ना, उसको ब्रेक डाउन कर दो ना चीज़ों में, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाने वाली है। 50 पेपर हो गए। एक पेपर जो होता है 5 घंटे का होता है, ठीक है। 5 आप बोले हो 3 का होता है, लेकिन उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन, 3 मतलब 8 क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते हैं, तो 3 घंटे का होता है आपको। तो अगर तैयारी करो तो 8 में 8 देखने पड़ेंगे ना, तो लगभग 450 मिनट्स के लगभग ऐसे पड़ता है, ठीक है। 440 मिनट्स ऐसे कुछ पड़ेगा। तो आप मान लो 4.5 या 5 घंटे मान लो, 50 क्वेश्चन, 50 पेपर, 5 घंटे, कितना हो गया, 250 घंटे। आपको कितना दिन का टाइम मिल रहा है मीन्स का बैच स्टार्ट होने से पहले, 30 से 35 दिन का टाइम मिल रहा है, ठीक है। आप 10 घंटे निकालो, प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दो। आपको स्टार्टिंग लगाओ कुछ नहीं आएगा आपको उसमें, आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या स्टेप्स कर रहा है, ये कहाँ से डेटा आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, आपको पढ़ना है, देखना है। कुछ इसमें से आपको ऐसा होगा 40-50%, क्योंकि है तो सिविल ही ना। आप सबसे बड़ा यहाँ पे पता है क्या फायदा होगा, यहाँ पे आप 24 से आप सीधे 14 सब्जेक्ट्स पे आ गए हो, ठीक है। 10 सब्जेक्ट्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं। जब मेन्स का मैं पेपर देकर आया था, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को इसी चीज़ से हो रही थी कि 10 सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने ही नहीं है, तो आपको केवल 14 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और ये 14 सब्जेक्ट्स आपने जो पढ़े ना क्लास में, जब नोट्स पढ़ाते हैं, तो वो जो सर चलते हैं वो मेन्स का, मतलब मेंस के चीज़ों से समझाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मेंस के क्वेश्चंस के थ्रू समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ कुछ आता है, आपके नोट्स रखे होंगे, उसमें बहुत कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो आपको ये सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। इसमें अटेम्प्ट करने के, इसका अटेम्प्ट करने का दूसरा तरीका है, क्या होता है, मेन्स और प्री में आपको पहले तो फ़र्क जानना है। मेन्स में क्या होता था, प्री में क्या होता था, आपको 4 क्वेश्चन से टिक मार के काम कर देना है आपका, ना तो राइटिंग मैटर करता है, किस तरीके से आप पढ़े हो कुछ मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने स्टेप्स में सॉल्व कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेंस में आते हो ना, आपका राइटिंग भी मैटर करता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करती है, आप कितने स्टेप्स में सॉल्व कर रहे हो वो भी मैटर करता है। क्यू कैब मिलती है आपको, ठीक है, लिमिटेड स्पेस होता है उसमें, आप ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कर लिया गलत हो गया दोबारा से कर लेंगे, जगह नहीं होती है, एक बार में ही आपको सही सॉल्व करना पड़ेगा वो, नहीं तो आप उसका वो मान लो वो क्वेश्चन गया आपको आ रहा हो फिर भी
एक बार मगर आपने सही सॉल्व नहीं कर पाया ना, क्वेश्चन चला गया। ठीक है, तो आपको ये एक तो आपको ये डिफरेंस पता करना है कि यहाँ पे आपको राइटिंग देखनी है, प्रेजेंटेशन देखनी है, अटेम्प्ट देखना है, टाइम मैनेज करना है। इस चीज़ में प्री से थोड़ी सी अलग, प्री से थोड़ी नहीं पूरी अलग है स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप वो नहीं बना सकते हो। ठीक है, आपके यहाँ पे नोट्स नहीं बन सकते, आपके यहाँ मिस्टेक्स कॉपी नहीं बन सकती। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर लो, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से। ठीक है, सॉल्व करो, डेटा वेटा नहीं आएगा, कुछ अज्यूम करना होगा आपको, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी, कुछ क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, कुछ नहीं ऐसा होगा, कभी 80% क्वेश्चन नहीं लगेंगे, 75% क्वेश्चन नहीं लगेंगे, फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, स्टेप्स में फंस रहे हो, डेटा देखो कितना आ रहा है, किस चीज़ का क्या अज्यूम किया हुआ, क्या क्या अज्यूम किया हुआ, उसको देखो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक जाने की कोशिश करो उसके। ठीक है, जो उसका फाइनल आंसर है उस तक जाने की कोशिश करो। ठीक, इसी तरीके से आपको पूरा प्रीवियस ईयर आपको एक एक करके लगाना है। आपको ज़्यादा लगाने की, ज़्यादा आपको लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। प्रीस के हटके मेंस में एक ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी चैप्टर ले रहे हो ना किसी सब्जेक्ट का, तो उसमें एक तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 4-5 क्वेश्चंस। आपको ये मान लो कि आपने एक क्वेश्चन लगा लिया ना, तो पिछले 25 साल में ये क्वेश्चन 6 बार आया होगा, डेटा चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, तो आपने एक बार इसको कवर कर लिया अच्छे से, एक बार आपने अजम्पशंस देख लिया, चीज़ें देख ली, आपको बस एक बार दूसरा क्वेश्चन आप उसको पक्का करने के लिए लगा लो, बाकी 3 क्वेश्चन आप हाँ उसमें पढ़ लो कि हाँ ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो हो जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपने ये बताया ना, ये 50 पेपर वाला और जल्दी सॉल्व हो गए, कैसे करना है, अब इसमें मिस्टेक्स कैसे नोट करनी है। जो मेंस होता है, जो प्री होता है, उसमें 1 स्टेप क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन जो मेंस होता है उसमें आपको कई स्टेप्स देने पड़ते हैं। तो स्टेप्स में भी क्या होता है, जब मेंस का हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमको कुछ स्टेप्स आ रहे होते हैं, कुछ स्टेप्स नहीं आ रहे होते हैं, कुछ स्टेप्स को कनेक्ट करने में हमको गलती हो जाती है, जैसे इस स्टेप के बाद हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हमको क्या निकालना चाहिए, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, उनका एक पैटर्न तैयार करना है, कि जैसे सबसे पहले हमको ये निकालना है इस तरीके के क्वेश्चन में, हमको ये निकालना है, उसके बाद ये निकालना है, उसके बाद ये निकालना है, उसके बाद ये निकालना है। ये आपने स्टेप्स लिख लिए, इसको रट जाओ। ठीक है, इनको रटना जरूरी है, ये रटोगे नहीं तो आपका जैसे जो स्टील स्टील में और जो आरसीसी में जो आप प्री के लिए छोड़ देते हो ना, जो लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं रूफ, इंडस्ट्रियल रूफ हो गया और बीम गटर, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो ना, मेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं आजकल, मेन्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, तो उन सब चीज़ों के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो आपको ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे कि सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, उसके बाद ये फाइंड करते हैं, उसके बाद ये फाइंड करते हैं, उसके बाद ये फाइंड करते हैं, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करो उसमें, या तो जैसे क्वेश्चन आए यहाँ पे, तो वहाँ पे वहीं पर खाली जगह बहुत मिलती है, उसमें स्टेप्स लिख लो, फर्स्ट में ये करना है, सेकंड में ये करना है, थर्ड में ये करना है, फोर्थ में ये करना है, फिफ्थ में ये करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि मुझे मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, इस स्टेप में मिस्टेक हो रही है, इस स्टेप में मिस्टेक हो रही है, इस स्टेप में मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, या फिर इस स्टेप से इस स्टेप में कनेक्ट करने में मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है। आपको मिस्टेक पता चल जाएगी, आप सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगी मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है। ठीक, आप क्या करो उस चीज़ में जो भी लिखा हुआ है उसको वहाँ मार्क कर दो। ठीक है, आपकी जो मिस्टेक हुई वहाँ यहाँ पर नोट कर लो कि मैंने इसमें ऐसा किया, जबकि उनको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, वो आप यहाँ पर मिस्टेक बुक आप नहीं बना सकते, बहुत बड़ा हो जाएगा वो, और हर तरीके की वैरायटी क्वेश्चन आप वहाँ पर नहीं डाल पाओगे। ठीक है, तो आपको यही बनानी पड़ेगी इसको। और इसमें तो आपका ये मान लो 2 प्रीवियस ईयर ही लेना है आपको, 2 प्रीवियस ईयर लेना है और कुछ मॉक टेस्ट लेना है, बाकी आपको हैंड रिटन नोट्स का की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपको मिस्टेक सारी ऐसी पूरे चैप्टर्स में मिस्टेक पूरे बुक में मिस्टेक्स आपको मार्क कर लेनी है। ठीक है, तो आप ये क्या करोगे, जब तक क्लासेस स्टार्ट ना हुई ना, आप तब तक ये एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो अच्छे से। आपको अगर मान लो 50% भी लगता है, 40% भी लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप पढ़ लो, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर वो क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। तो अब जब क्लासेज होंगी ना, तो आपको पता रहेगा कि टीचर ये पढ़ा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए थे, मेरे को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको मैं अपने थोड़ी बुक से भी पढ़ लूँ, थोड़ा सा अगर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसके अपने स्टेप्स जो लिखे हैं वो देख लूँ, किताब में देख लूँ। इस तरीके से आपको उस चीज़ को प्लान करना है। तो स्टार्टिंग 30-40 दिन में उसको लगा लो, जितना भी हो पाए कर लो। ठीक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, आप क्लास लेक्चर स्टार्ट लोगे, ज़्यादा 6 घंटे के लेक्चर्स नहीं लगते हैं, 4 घंटे या 5 घंटे के लेक्चर्स लगते हैं। तो आपको 3 महीने का शायद, 3 महीने में सिलेबस खत्म करा देते हैं मेंस का, 3 महीने या 4 महीने में। ठीक, तो आपको क्या करना है, तो एक तो क्लास में जाना है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं देखना है, उसको वर्कबुक सॉल्व करनी है, उसका मेंस का अलग वर्कबुक आता है, वही स्टेप्स ये देखने हैं। आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया था, मेरी सबसे ज़्यादा डर लगता था मेरे को स्टील से, क्योंकि स्टील में आपका प्री में तो आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा आप लाइट कर सकते हो कि यार चलो लास्ट का पोर्शन मैंने छोड़ दिया, कंप्रेशन मेंबर तक मैंने पढ़ लिया, बाकी क्या मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। लेकिन मेन्स में आप नहीं छोड़ सकते हो, आरसीसी में हमारा जैसे रिटेनिंग वॉल्स हो गया, स्टेयरकेस हो गया, और वेल्स हो गए, और क्या कहते हैं वाटर टैंक्स हो गए,
बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप प्री के लिए आप उनको थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेंस में आपको पढ़ के ही जाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया था ना, इन सब चीज़ों का, ये जो स्पेशल चीज़ें थी, जो मैं कुछ लिख के लाया हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे BMC में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो आपने अभी नहीं पढ़ोगे, जैसे स्टोन हो गया, नाम भी नहीं सुने होंगे आपने, लेकिन सिलेबस खोल के देखोगे उसको आपको सब कुछ मिलेगा। स्टोन, मेसनरी, एडमिक्सचर्स, एग्रीगेट, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, फ्लाई एस, फाइबर रिइंफोर्स, पॉलीमर्स, सिरामिक, एल्यूमिनियम, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें आप क्या करो, तीन तीन चार चार नोट्स के आपको मार्केट में बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपको तीन तीन चार चार पेजेस में ये सारी चीज़ें खत्म कर देगी, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देगा उस चीज़ का क्या है। तो इससे क्या होगा, BMC में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करके जाने। सबसे बड़ी बात, आपको मेन्स में दो चीज़ें याद रखनी है, आपको 600 में 600 का अटैम्प्ट लेना है, ठीक है? बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल बता दूंगा इस चीज़ को। मैं 600 में 600 का अटैम्प्ट लेके आया था, मेरे फर्स्ट पेपर में 246 मार्क्स थे और सेकंड पेपर में 247 मार्क्स थे मेरे, ठीक है? 493 मार्क्स मेरे आए थे 600 में, जो कि आज तक किसी के नहीं आए मेंस में। 82% 83 तालियों के नहीं, मैं बता रहा हूँ ये अचीवेबल है इस चीज़ में, ठीक है? तो आप अगर सही स्ट्रेटेजी से अगर काम करोगे ना, तो आप 450 प्लस आराम से ला सकते हो। आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपका अटैम्प्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अटैम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, जैसे प्रीका बताया उसी तरीके से। तो मैं अभी सब्जेक्ट्स बता रहा था, जैसे मैंने BMC को बता दिया, स्ट्रक्चर में आर्चिस केबल्स हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया, स्ट्रक्चर डायनामिक्स हो गया। सो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन आपको देखना पड़ेगा, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, BMD SFD सब बनाते हैं, किस तरीके से बनाओगे, कैसे लिखोगे, वो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे। और यहाँ पे इलास्टिक थ्योरी सब प्लेयर हो गया, फेलियर हो गया, स्टील में हो गया, कॉलम बेस, स्प्लाइसेस, बीम्स, प्लेट गर्डर, गेटी गर्डर, रूफ गर्डर्स, RCC में रिटेनिंग वॉल्स, वाटर टैंक, स्टेयर केस, मेसनरी, अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री स्ट्रेस लॉसेस, ये सब चीज़ें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। मेन्स में क्या होता है ना, जैसे कि मेन्स में क्या होता है, सेट आता है ना पूरा, एक क्वेश्चन सेट आता है 60 मार्क्स का, ठीक है? 60 मार्क्स में से आपको दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन तीसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक्स में से आ गया। तो अगर जो बच्चा नहीं पढ़ के गया होगा, ठीक है, उससे आप थोड़ा यहाँ पे आगे निकल जाओगे, क्योंकि इसको पता है आप 20 में से 20 आप फैच कर सकते हो, इसमें 20 में से 20 फैच कर सकते हो। इसमें मेरे मान लो दो दो पार्ट हैं, 10 10 के, 10 10 में से मेरे 7 इसमें मिल गए, 6 इसमें मिल गए, तो मेरे कितने हो गए, 53 मार्क्स हो गए, ठीक है, 60 में से। बाकी का बच्चा क्या करेगा, कोई ऐसा ऑप्शन चुनेगा जिसमें या तो ये दो करके चला आएगा, या फिर क्या कर देगा, यहाँ पे कोई ऐसा करेगा जिसमें सारे क्वेश्चन थ्योरी के होंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एज मिल जाएगा बाकी बच्चों से, कि आपको जितना सिलेबस, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अभी UPSC का पैटर्न ऐसे हो गया, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल रहा है। तो आपको जितना भी आपने, मैंने बोला था ना सबसे पहले कि आपको एग्जाम को, अपने एग्जाम को जानना है, तो सबसे पहले एग्जाम को सिलेबस डाउनलोड करो, उसमें सारी चीज़ें पढ़ो क्या क्या सिलेबस है, ठीक है? और उस चीज़ में कुछ भी और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप उसमें डीप में घुसे जा रहे हो। एक टॉपिक है, उसका एक पेज आपको कहीं से मिल जाता है, उसको पढ़ लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ लो, उसको स्टोर कर लो, ठीक है? जो भी पढ़ो उसको, मतलब उसके नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है? नोट्स मतलब प्रिंटेड नोट्स हो, कुछ भी हो, आपके नोट्स होने चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बता दिया, हाइड्रोलॉजी में जैसे कि जंप फॉल हो गया, ग्रेविटी टाइम, स्पिलवेज, फ्लूड में क्या हो गया, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, ट्रेवल फ्लूड बाउंड्री लेयर में कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, पंप्स में जो आते थे पंप्स और टर्बाइंस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स आते थे उसमें मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। हाइड्रोलिक रैम हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, टीचर से नहीं पढ़ाते हैं। अभी एनवायरमेंट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, जो लास्ट के चैप्टर से इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। जियोटैक में सॉलिड एक्सप्लोरेशन, फाउंडेशन, सॉल्ड स्टेबिलिटी, ये सब लास्ट के टॉपिक्स हैं जो हम थोड़ा सा लास्ट में आते आते ना अपना फ्लो टूट जाता है। कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं लास्ट में आता है तो फ्लो टूट जाता है, तो ये सब्जेक्ट हमारे वीक रह जाते हैं, लेकिन ये मेंस के लिए पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वेइंग में एरर्स एंड एडजस्टमेंट हो गया, फोटोग्रामेट्री हो गया, फील्ड एस्ट्रोनॉमी का सवाल नहीं आया था, पिछले साल एक सवाल आ गया था, ठीक है? तो आप उसमें थोड़ा सा आप आइडिया रख सकते हो क्या क्या होता है। कर्व्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि आप सड़क कैसे बनाते हो, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाता है, हाईवे मटेरियल्स में जैसे कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन, VFB, VMA, ये सारी चीज़ें होगी। और इसमें आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट और डिजिट पेमेंट्स हो गया, रेलवे में रेलवे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉइंट्स, क्रॉसिंग, टर्न आउट। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मैं पढ़ के गया था, इससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। एक क्वेश्चन आया था टर्न आउट का कुछ बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला था, R0 निकालना था, G-D sec α R-S समथिंग, बहुत लंबा फॉर्मूला था, किसी को याद करके नहीं गया होगा। उस सेट में बाकी के 4-5 कुछ, मतलब 50 मार्क्स का मेरे को बहुत अच्छे से आ रहा था वो क्वेश्चन, और मतलब वो 50 मार्क्स थे, वो स्कोरेबल थे, इसका फॉर्मूला मेरे को याद था, कर्व लीड, स्विच लीड, आप ये पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अटैम्प्ट करके आ गया, अटैम्प्ट करके आया, ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया, बाकी लोगों से मेरे 10 नंबर इसमें एक्स्ट्रा हो गए। ऐसे धीरे धीरे मिला के ना, जब मेरा अटैम्प्ट बढ़ने लगा ना, जब मैंने सारी चीज़ कवर करके आया, तभी मेरे इतने मार्क्स आए, तभी मेरा 600 में 600 मार्क्स अटैम्प्ट हुआ है। अगर आप पूरी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे ना, तो आपका अटैम्प्ट नहीं होगा, ठीक है? आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है? उसके बाद मॉक टेस्ट लेना है आपको, इसका ही मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के बिना कोई भी एग्जाम नहीं दोगे, कोई भी तुम्हारा आपका क्लियर नहीं होगा। पहले प्री के लिए प्री के मॉक टेस्ट,
मेंस के लिए मेंस के मॉक टेस्ट और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। तो आपको सारी चीजें देनी है, ठीक। अब मैं जो बताऊंगा आपको लगेगा क्या बोल रहा है यार ये, क्या मतलब, कैसे क्लास में उठने पड़ेगा, क्या मतलब, क्या ही बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको बोल लूंगा, आपको लगभग 4 महीने बचेंगे अभी क्लास स्टार्ट होने के बाद और मेंस का एग्जाम होने, 4 महीने। 4 महीने में आपको 90 से लेके 100 मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। 1 साल के एक कोचिंग सेंटर के लगभग 20 के लगभग मिल जाते हैं, बाकी कोई 1.5 घंटे के, मतलब किसी में 4 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 8 होते हैं, तो आपको इतने लगाने हैं। थ्योरी बुक कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सब करते रहो। इसमें ना आपका A to XYZ सारा कवर हो जाएगा, जितना भी आपका सिलेबस होगा ना, जितना भी मेंस के लिए पॉइंट मतलब मेंस के इंपॉर्टेंट होगा, सारा इनमें कवर हो जाएगा। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने सिंसियरली लगा लिया। चल 90 100 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको डेली एक लगाना है, ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में आपको 4 लगाने, डेली एक लगाना है और आपको इसको कंटिन्यूस लगाना है, ठीक है। बाकी ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना बताता हूँ। मैं जब था तो कोविड आ गया था, कोविड ऐसा आया था फर्स्ट 2020 में जो लहर आई थी वो वाली। मेरा एग्जाम 5 जनवरी को कंप्लीट हुआ, 5 जनवरी के बाद मैंने 1-1.5 महीने बहुत मौज किए, इधर तो घूमता फिरा मैं, कुछ पढ़ाई नहीं की। 1.5 महीने बाद क्लास स्टार्ट हुई, थोड़ा बहुत हुआ, लगभग 10 5 6 8 दिन क्लास चल पाई होगी, क्लासेस ऑफ हो गई, घर पे पहुंच गए, घर पे नहीं थे तो क्लास में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। ऑनलाइन क्लासेस में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। एक सेकेंड पानी पी लो यार मैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है सेशन? अच्छा ठीक है आपको, हाँ मैं बता रहा था अपना। उसके बाद क्या हुआ, मैं मई में जब मैं था 3 4 महीने तो मैं रुका कालूसराय में, तो मैंने प्रीवियस ईयर लगातार लगातार, उसके बाद मैं घर चला गया, घर चला गया। तो उस टाइम पे रूल था कि दिल्ली से आने वालों को तो बहुत जल्दी पकड़ते थे, क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया मेरे को 14-15 दिन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे अब यार कैसे कैसे लोग रहते थे, गंदगी रहती थी, आपको पता ही है CSC वगैरह कैसे रहते हैं। फ्लो एकदम टूट गया, कुछ नहीं रहा, घर पे रहा, कुछ श्योरिटी नहीं थी कब एग्जाम होने वाला है कब नहीं होने वाला, तो मैंने सब छोड़ दिया। 4 3 3 महीने के लगभग मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जीरो पढ़ाई होगी, मैं कुछ नहीं पढ़ता था। मेरे को रियलाइजेशन हो गया मैं तो गलती कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पेपर मतलब मेरा फ्री हुआ है, मेंस कभी भी आ सकता है। तो जब मेरा 18 अक्टूबर का एग्जाम था ना, उससे मैं 40 दिन पहले, 40 दिन पहले मैं लौट के आया दिल्ली वापस, घर वाले मना कर रहे थे फिर भी मैं लौट के आया। 40 दिन में मैंने 60 से लेके 65 मॉक लगाए, और प्रीवियस ईयर में जो मैंने मार्क कर रखे थे ना गोले गोले वो पढ़ा, और 40 दिन में मैंने 60 से 65 मॉक लगाए। इसी की बदौलत मैं 600 में 600 का अटेम्प्ट किया, ठीक है। मैं कुछ इसमें वो नहीं बता रहा हूँ कि मैं नोट्स पढ़े कुछ नहीं पढ़े, मैंने इनकी बदौलत, क्योंकि इसमें ना ये जो मॉक है ना, इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, जो भी होगा ना A to XYZ सारा इसमें कवर हो जाने वाला है, हर एक टॉपिक। क्योंकि जब मॉक सेट करने बैठेगा आपको, अगर मान लो किसी कोई टेस्ट पेपर बनाना है, आपको एक टेस्ट पेपर बनाना है तो आप आसानी से बना दोगे, लेकिन आपको 10 टेस्ट पेपर बनाने हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो ओवरलैप हो जाए, एक जैसे क्वेश्चन सब में हो जाए, तो आप क्या करोगे, 10 टेस्ट पेपर में ना सारी वेरायटी क्वेश्चन डालने की कोशिश करोगे। तो जो मॉक टेस्ट पेपर सेट करता है ना, वो एक का अगर साइज दोगे तो वो कुछ कम कवर करेगा, लेकिन अगर उसको एज अ होल देखोगे ना, तो उसमें सारा का सारा वो कवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मतलब यूनिक चाहिए होते हैं सारे मॉक टेस्ट, तो इसमें ना सारा कवर हो जाता है। तो आप अगर नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर में जो गलतियां हैं वो पढ़ ले रहे हैं, मोर देन सफिशियंट है, ट्रस्ट मी मोर देन सफिशियंट है। आपको इसमें क्या करना है, मॉक लगाना है, मॉक में भी आपको देखना है, जैसे कि मैं अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ पहले। स्टार्टिंग में तो आपको जब 2 3 महीने रहेंगे, लास्ट के 1 महीने के लिए बाद बताऊंगा, स्टार्टिंग में तो बस 1 से लेकर 8 तक सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और वही 4.5 घंटे का समय है, उसमें देखो स्टेप्स कौन से हो रहे हैं, कुछ नया आ रहा है। अब जो जो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताए ना सारे के सारे, आप किसी दिन उसको पढ़ने बैठ जाना, इतना भयानक बोर होगे ना, एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक करने का मतलब मन नहीं करेगा आपको। लेकिन जब ये 8 मतलब मॉक दोगे ना, तो 8 क्वेश्चन में से ना किसी एक टॉपिक या 2 टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब आपसे लग रहे होंगे, वो 2 4 क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे होंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो इंटरेस्ट में कि
यार मेरे से नहीं हुआ, रीडिंग मार लिया, रीडिंग मार लेता हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट है, नया फॉर्मूला है, पढ़ लेता हूँ इसको। तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया, कोई टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब इस चीज़ को आप किसी मतलब सोर्स से आप पढ़ने जाओगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि आपको पहले से पता है कि हाँ इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चन वहाँ आया था, ये मैंने वैसे पढ़ा था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। इस चीज़ से क्या बता रहा था मैं, हाँ तो ये जो कुछ नए टॉपिक्स आएंगे ना, आपको सारे टॉपिक जितने टॉपिक्स कवर किए हैं, कोई भी ऐसा एक टॉपिक नहीं बचेगा तो यहाँ कवर ना हो। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने हर एक चीज़ का अलग से मतलब रट्टा मारा था। बीएमसी में जरूर ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें जितने भी टॉपिक्स बताए वो उनके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मैंने उसका अलग सोर्स से लिया था, बाकी सब मुझे इसमें कवर हो रहा था। ठीक है, तो आपको डेली में यही करना है, 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको ये मान लो कि आप सॉल्व करते जाओगे तो आपने स्टार्टिंग में तो ऐसा रहेगा कि आपसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा, लगने स्टार्ट होंगे, 50% क्वेश्चंस लगेंगे, 60% क्वेश्चंस लगेंगे। आप ट्राई देखोगे ना, मतलब 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको लगेगा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होंगे ना, तो आपको फिर आप बस क्वेश्चन देखो, आगे बंद करो और उसकी शेडो राइटिंग करो। शेडो राइटिंग कैसे होता है, जैसे आगे बंद करके यहीं पर, अच्छा इसमें ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप, 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 ये स्टेप, ये स्टेप। इससे क्या होगा कि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, हाँ आपको पता है ये लिखा जा रहा है, हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, तो ये इस तरीके सेट हो रहा है। एक पेज में ही आप ये मान लो पूरा टेस्ट लगा लोगे, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पहले कर रखे होंगे ना पहले 8-9 टेस्ट में, वो सारे सारे आप इसमें एक में ही लगा लोगे, ऐसे आंख बंद करके, हाँ इसमें स्टेप ऐसे रहने वाला है, हाँ इसमें फर्स्ट स्टेप ये करूंगा, ऐसे ये आएगा निकल के आएगा, इसके बाद ये स्टेप करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इसी तरीके से शेडो राइटिंग आप कर करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सारे मॉक लगा लोगे ना, सेम पैटर्न इसमें रखना है, मॉक चेक करो, मॉक क्या गलती हुई है उसमें नोट करो, मार्क करो। इसमें आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स में मैंने बस बताया था कि जो आरसीसी स्टील की जो कुछ और ये कुछ रूम में जो स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह, लास्ट में स्ट्रक्चर डायनामिक्स, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर एनालिसिस में स्ट्रक्चर डायनामिक्स वगैरह आती है, उस चीज़ के आप स्टेप्स अलग से कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपके कहीं शॉर्ट नोट्स काम नहीं आएंगे। ठीक, तो बाकी आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना है, मिस्टेक्स देखनी है, और इन चीज़ों पे आपको पता है कि आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा, तो इसको वीकली रिवाइज करते रहना है इन मिस्टेक्स को। ठीक है, वीकली कुछ कुछ इसमें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बहुत कठिन चीज़ है, सिंपल चीज़ है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये करना है आपको। ठीक है, इसमें भी मेरा एक रूल था, अभी 600 में 600 मार्क कैसे मतलब करना कैसे, इसके लिए आपको सबसे पहले तो सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, आपको ठीक है 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ये 5 भी तो आने चाहिए ना, 5 में 15 पार्ट होंगे, या किसी में 4 4 पार्ट होते हैं, 5 में 18 या 20 पार्ट होंगे, आपको सब आने चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट में 2 आ रहे हैं, सेकंड में 2 आ रहे हैं, थर्ड में 2 आ रहे हैं, आपको मतलब मान लो 67% पेपर आ रहा है, लेकिन आप फिर भी कोई 5 क्वेश्चन अच्छे से पिक नहीं कर पा रहे हो उसमें। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले सब कुछ आना चाहिए। ठीक, सब कुछ आपको सिलेबस कवर होगा, सब आने लगेगा, इतना मॉक टेस्ट लगाओगे ना, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो अनटच्ड रहेगा, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे आपके कवर हो जाएंगे। आपको बस मार्क करना है, थ्योरी जो भी पोर्शन नहीं आया ना उसको आपको रट्टा नहीं मारना है, सेम यहीं पर भी वही काम करना है, एक बार उसको पढ़ते रहना है। एक थ्योरी का क्वेश्चन इसमें मैं बता रहा हूँ कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट होगा सेम थ्योरी का क्वेश्चन, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज वाला क्या होता है, जैसे मेडी जी की अभी टेस्ट सीरीज आने वाली है ना इस साल की, कुछ क्वेश्चन 2022 से रिपीट होंगे, कुछ क्वेश्चन 2021 से रिपीट होंगे, तो थ्योरी के क्वेश्चन भी इसमें रिपीट होंगे। तो एक ही थ्योरी को आपको 5 6 बार पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इससे क्या होगा ना कि थ्योरी का भी आपका रिविजन होता रहेगा। थ्योरी सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है, थ्योरी पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो थ्योरी पढ़ने में ये एक चीज़ थ्योरी 4 5 बार आ जाएगी तो आपको की पॉइंट्स पता चल जाएगा। आपको अगर लिखना इतना होता है एग्जाम में तो आपको मटेरियल वो इतना देते हैं, इतना होता है, इतना उससे ज़्यादा देते हैं, तो आपको कुछ कुछ भी याद रहेगा ना इसमें, इतना तो भरी दोगे आप आराम से। और जो बच्चा वो नए टॉपिक्स नहीं पढ़ के आ गया उससे तो आप बहुत लाख गुना बेटर हो, कि आप वो कुछ नहीं करके आ रहा है, आप कम से कम करके तो आ रहे हो, उसको 50-60% आपको नंबर मिल जाएंगे इसमें आराम से। ठीक है, तो ऐसे आपको आगे निकलना है। जैसे मेरा प्री में रूल था मतलब 2 मिनट रूल, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक रूल बनाया था जो कि मेरे हिसाब से हर एक कैंडिडेट को फॉलो करना चाहिए, ये मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा आपको फॉलो करना चाहिए, बाकी चीज़ मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगा, आपको जैसा सही लगे वो आप करो, लेकिन अगर आपको अच्छा अटेम्प्ट करना है तो ये रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये है हमारा 1/2 मिनट रूल, वो 2 मिनट रूल था, ये 1/2 मिनट रूल है। ठीक है, तो 1/2 मिनट रूल का मतलब ये है, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 मिनट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 5 मिनट, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है 10 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है स्टार्टिंग से मॉक सॉल्व करने, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 20 मिनट चल रहा है 30 मिनट चल रहा है, ऐसा नहीं करना है अपन को, आपको ये ध्यान देना है कि ये रूल 1/2 मिनट, सीधी कैलकुलेशन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मिनट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मिनट, 6 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मिनट, 12 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मिनट। ठीक है, इससे क्या होगा आपका 300 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 150 मिनट में हो जाएगा,
और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, अगर आप स्टार्टिंग से इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना आराम से अचीवेबल है, ये इस चीज़ को प्रूव करता है। 600 600 में करके आया हूँ, इसी की वजह से करके आया हूँ। 2.5 घंटे में पेपर आपका पूरा हो जाएगा। 2.5 घंटे का मतलब 30, जो 60 नंबर का जो एक क्वेश्चन होता है ना, इसमें 60 नंबर का होता है, उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। 30 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के 2.5 घंटे मिल जाएगा। आधा घंटा आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा लंबा खिंच जाता है या किसी में आपको ज़्यादा टाइम देने के इन्वेस्ट करना है तो वो आप उस चीज़ को कर सकते हो। आप कभी कभी चेक भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप ये, मैं आराम से बोल सकता हूँ अगर स्टार्टिंग से आप इस चीज़ को करोगे तो ये आराम से अचीवेबल है। ठीक है, आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया, आपको अटेम्प्ट करना आ गया। ठीक, एक्यूरेसी आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप, क्या होता है, लोग बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं कि यार एक्यूरेसी मैं ना मतलब फ्री में मान लो मैं 150 में से 100 क्वेश्चन करके आता हूँ लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी की नहीं होती, जितना प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेसी प्रैक्टिस से बचेगी। जब 90 100 मॉक दे दोगे ना सब चीज़ें रट जाएंगी आपको, एक्यूरेसी अपने आप तुम्हारी हाई हो जाएगी एक्यूरेसी। अब उसके बाद क्या होगा ना, जो भी तुम अटेम्प्ट करके आओगे सीधे कन्वर्ट होगा मार्क्स में। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है कि एक्यूरेसी हम देख रहे हैं कि यार हमने मार्क अटेम्प्ट तो पूरा कर लिया लेकिन हमारा एक्यूरेसी कम थी तो हमारा ये हो जाएगा। अगर आपने ये इतने लगा रखे ना तो आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। एक एक मिस्टेक को आप 4 4 5 5 8 8 बार कर चुके होगे तो आपके सारी मिस्टेक्स होंगी ना वो अपने आप ओवरकम हो जाएंगी। जितने मार्क्स का ज़्यादा अटैम्प्ट करके आओगे उतना आपको वहाँ पर सीधे उन मार्क्स में आपको कन्वर्ट होकर मिलेगा। 497 मार्क्स, 493 मार्क्स, 82% 82% कई बच्चों के बोर्ड में नहीं आते हैं, यूपीएससी की ये कॉपी चेक हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और भी कुछ है कि ये मैंने बताई दिया, जो भी आप उसमें जो प्रीवियस मॉक टेस्ट में उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको आपको वीकली रिवाइज करना ही करना है। ठीक, और लास्ट के 30 डेज का मैं बताता हूँ, थ्योरी पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थ्योरी पार्ट को लट्टा नहीं मारना, केवल पढ़ना है। आप टेस्ट करो इतना लगाओगे तो आप थ्योरी पार्ट पढ़ लोगे, थ्योरी पार्ट आपको 4 5 बार मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी उसमें, उसमें की पॉइंट्स मिल जाएगा, लिखने के लिए काफ़ी मटेरियल आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो 600 में 600 का अटेम्प्ट का प्रैक्टिस मतलब ट्राई तो करना ही करना है। ठीक, हाफ मिनट रूल हो गया। अब आता है लास्ट के 1 मंथ में। लास्ट के 1 मंथ में क्या करना है, हमको एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है, एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है क्यू कैम में। ठीक है, तो क्यू कैम में क्या होता है, अपन पहले क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा एग्जाम में एक्चुअल एग्जाम में करने हैं, जो बाकी के 3 होंगे वो 5, ये 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको 3 घंटे के लिए 1.5 घंटा और दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहता था, कैसे अटैम्प्ट करना है, कुछ बोलते हैं कि पहले ना एग्ज़ाम मिले आप पेपर मिले तो आप क्या करो, पहले उसको 10 मिनट दो, पहले उसको मतलब पेपर को पढ़ो, फिर उसमें मार्क करो कौन कौन से अच्छे पेपर हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा स्कोरिंग है कौन कौन से नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर आप इतना कुछ कर सकते हो तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको इतना सिंपल, मैं इसके अलावा कुछ और बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि डेली में अगर आप 5 5 घंटे का मॉक देने, अगर मैं एक डेली का मैंने आपको टारगेट दिया है तो 5 घंटे वाला मॉक एनालाइज करके सब कुछ करने में आपको 7 8 घंटा लगेगा, मुश्किल से 7 8 घंटा भी नहीं लगेगा, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाएगा। ठीक है, लास्ट के मंथ में आपको क्या करना है, क्यू कैम में आपको क्वेश्चन देने हैं, पहले 5 करने हैं जो करना है। तो पहले 5 में आपको बताया ना, सेट 1 होता है, उसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं, सेट 2 होता है, 1 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, फर्स्ट एंड फिफ्थ कंपलसरी होता है, पता है था? उसके बाद इनमें से 2 करने होते, मतलब इन इन सभी में से 5 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इनमें से मिनिमम एक एक करना है। ठीक, आपको पता है हाफ मिनट का रूल है। मैं क्या करता था, क्वेश्चन पेपर आया लग जाता था मैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 30 मिनट्स, ये क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसके बाद डायरेक्ट 30 मिनट्स। ठीक, 2 3 4 में गया, जो मेरे को सबसे अच्छा आता था एक अटेम्प्ट कर लिया, 6 7 8 में गया, जो मेरे को सबसे अच्छा आता था अटेम्प्ट कर लिया। अब मेरे पास कितने बचे, 4 बचे, 2 इसमें से बचे 2 इसमें से बचे। अब मेरे को 4 में से देखना है कौन सा मेरे को सबसे बेस्ट आता है, उसको अटेम्प्ट कर लो। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपको सबका कुछ ना कुछ आता होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इससे क्या होगा, 30 मिनट में ये, 30 मिनट में ये, 30 मिनट में ये, 30 मिनट में ये, 30 मिनट में। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि ये जो दिमाग को मैंने खेलना बताया था ना, दिमाग को तुमको समझना जरूरी है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट पेपर आ जाता है, डिफिकल्ट पेपर आ जाता है तो आपने क्या किया, पेपर मिलते ही आपने पूरा पढ़ डाला उसको। ठीक, आप हो गए डिमोरलाइज, अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट आ गया। आपको आपको जो आना भी होगा ना वो भी आप उसमें थोड़ा सा आप अंडर ही रह जाओगे, उसको आप पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि आप सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिफ्थ तो करने ही करने हैं आपको, उसमें तो आपको कोई चॉइस है ही नहीं ना, तो आप क्या करो ये अटेम्प्ट कर लो, बिना कुछ देखे अटेम्प्ट कर डालो। आपको इन चीज़ों क्वेश्चंस पे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा
कि हमारा क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया है या सिंपल आया है। ये दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो उस चीज से बच जाएंगे। अब बाकी आपको दो क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करने, पहले एक ही सिलेक्ट करो, इनमें से एक सिलेक्ट करो तुरंत करो, एक सिलेक्ट करो तुरंत करो। ये 30 मिनट पे कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 आवर पे कंप्लीट हो जाएगा, ये 1.5 आवर पे कंप्लीट हो जाएगा, 2 आवर पे कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 आवर पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आधा मिनट आधा घंटा बच जाएगा, कोई बचा हुआ है तो उसको कर लो, या फिर कुछ भी मतलब आप चेक कर सकते हो अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो। इस तरीके से आप आराम से 600 में 600 का अटेम्प्ट कर सकते हो, अचीवेबल है। ठीक है, आपको बस आपके पास स्पीड होनी चाहिए, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी हो और आपने सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हो, आराम से आप इतना अचीव कर सकते हो। और मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ नहीं करके जाओगे, 50 मॉक भी लगा के गए होगे ना, 50-60 मॉक लगा के गए होगे, अगर आप 600-600 अटेम्प्ट करके आए, 450+ श्योर आएगा गारंटी से, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर 50 और आपने अगर मतलब ऑनेस्टी से लगाए हो, ये नहीं मैंने लगा लिए, मिस्टेक्स नहीं देखी, रिवाइज नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक गलती पूरे उसमें प्रिपरेशन टाइम में, एक गलती एक बार करनी है केवल, अगली बार क्वेश्चन पेपर में आए तो उस गलती को रिवाइज आपको नहीं करना है। ठीक है, एक गलती एक बार करोगे, और यह नहीं है कि एक ही गलती एक पेपर में आ गई, एक क्वेश्चन में सेम गलती, अगले में भी सेम गलती कर रहे हैं, ये गलती अगर यहाँ हो गई ना, आगे नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, मेरा यही फंडा था, मैं एग्जाम से पहले मेरा ये फंडा था कि ये कोई 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 भी क्वेश्चन है, कोई भी फॉर्मूला है, कितना भी सिंपल सही कितना भी डिफिकल्ट सही, आप उसको जब सॉल्व करने बैठोगे ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, एक बार आपका जरूर गलत होगा वो। अब वो आप पे डिपेंड करता है, वो उसको आप एग्जाम से पहले मॉक पे मतलब मॉक में उसको गलती कर लेते हो, और एक्चुअल एग्जाम में उसको रेक्टिफाई करके उसको सही कर लेते हो, या फिर सीधे एग्जाम में गलती करते हो। यहाँ कर लिया तो इसका कोई मतलब नहीं, इसमें मार्क्स कितने का कोई मतलब नहीं है, इसने आप सीख गए, एग्जाम में आपने अच्छा कर दिया, आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपने सीधे एग्जाम में गलती की, मार्क्स चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप मॉक में जितनी गलती कर सकते हो ना उतनी करो, लेकिन गलती ये नहीं होना चाहिए कि एक गलती बार बार हो रही है, इस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप गलती करो, जितना करो मॉक्स मॉक के मॉक में जितनी भी गलती कर सकते हो करो, एक्चुअल एग्जाम में आपको गलतियां नहीं करनी है, एक गलती को एक से ज्यादा बार नहीं करना है, एक बार जो गलती हो चुकी है उसको ऐसा नहीं बार बार करते रहना है, एक बार गलती होगी उसको आगे सही करके रखना है, आराम से अचीवेबल है। 600 में 600 आप करके आओगे, 600 में 600 करके आओगे, 75% की एक्यूरेसी आएगी आराम से, इतने मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, जो आपने 450 का टारगेट रखा था ना स्टार्टिंग में, आराम से अचीव हो सकता है यहाँ पे, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, हार्ड वर्क करोगे, पैशनेट रहोगे अपने गोल के लिए। ठीक है, आराम से अचीव कर सकते हो उस चीज़ को, कुछ ऐसा तो है नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा मैंने बताया कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, फलाना करना है, लगाना, नोट्स भी करना है, क्लास नोट्स भी करना है, वर्कबुक भी करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर देखना है और मॉक देखना है, मॉक में क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी गलतियां होनी है उनको रिवाइज करना है और गलतियों को दोबारा नहीं करना है। ठीक है, इतना सिंपल सी चीज है। ठीक, अब ठीक है, अब लास्ट में 30 दिन में क्या करना है आपको, 10 से 12 दोनों के, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के 10-12 दोनों के मॉक आपको फुल लेंथ देने हैं, क्योंकि आप एकदम इन्वायरमेंट में बैठ के, ठीक है, टाइम लगा के। अभी तो यार थोड़ा बचा, थोड़ा सा बचा हुआ है, हो जाएगा, मुझे बोला गया था 1-1.5 घंटा लगेगा, 1-1.5 घंटे में ख़त्म करना है, लेकिन चीज़ें इतनी हैं कि आपको 1-1.5 घंटे में हो नहीं पाएंगी ये सारी चीज़ें। हाँ, अरे वो मना कर रहे हैं ना पीछे से। अच्छा ठीक है, चलो कराते हैं, मतलब मैं तो आया हूँ, मैं तो करा के जाऊँगा भाई, मैं तो ये मैंने लाइव सेशन जबरदस्ती लिया है, मैंने बी सिंह सर को बोला कि सर मेरा लाइव सेशन, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ सर मेरा लाइव सेशन करा दो, जो मेरे को आता है मैं बताना चाहता हूँ, तो अब जाके मेरे को मौका मिला है, मेरा मैं 2020 का पास आउट, मतलब मेरा रिजल्ट आया, अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ठीक है, मेरे को CPWD डिपार्टमेंट मिला है, मेरी 2nd ऑफ मे को ज्वाइनिंग है, तो इतना टाइम लगता है, अभी खाली टाइम था तो मैंने एक बार और रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज, तो मैं अब तब जाके आया हूँ, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें बतानी है, मुझे लगता है अगर मेरी इन सब चीज़ों से अगर 10 बच्चों या 20 बच्चों का भी कुछ उनको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो ये सक्सेसफुल रहेगा सारी चीज़ें। आपको कुछ इसमें लग रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, फिर तो ये सारी आप देखा होगा, ये सारा स्ट्रेटेजी का खेल है, प्लानिंग का खेल है। ठीक है, मेहनत सब कोई कर रहा है, मेहनत तो कोई भी करता है, स्मार्ट वर्क भी अब पुराना हो गया कि यार स्मार्ट वर्क कर लेंगे, अब स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी, तब आप जाके कहीं पे आप सक्सेसफुल होने वाले हो। ठीक है, अब क्या है, एग्जाम से पहले की बात बताता हूँ, इसमें भी 1 दिन पहले वही करना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें एक्सट्रीम शॉर्ट नोट्स भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, करना है करना करना है करो, लास्ट के 1 दिन आराम करो, सेंटर पे घूम के आओ, इस दिन भी नींद नहीं आएगी, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, सुबह में 5 बजे नहा लिया, 5 बजे नहाने के बाद क्या हुआ, मुझे आ गया बुखार, मुझे आ गया 102 बुखार, उस टाइम पे चल रहा था कोविड,
अब मुझे ये डर लग रहा था कि यार एक से तो बुखार आ गया, मैंने दो दो तीन तीन पैरासीटामोल की गोलियां खा ली, बुखार कम ही नहीं हो रहा। अब एग्जाम सेंटर के बाहर में गोलियां खाए जा रहा हूँ, मैं ठंडी पानी की बोतल लेके आया, मैं अपने सर पे लगाए पड़ा हूँ कि यार माथे का टेम्परेचर वो लेगा तो मैं थोड़ा कम आए, उसने हाथ का टेम्परेचर ले लिया। मुझे ये डर लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करी, कहीं ऐसा ना हो कि क्यों मतलब कोविड के चक्कर में मेरे को बाहर कर दें। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको नींद उस दिन भी नहीं आएगी, अगर सिंसियर रहे होगे तो नींद उस दिन भी नहीं आएगी। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना, तो एग्जाम सेंटर आप अच्छे से घूम के आना, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे ही सुबह का टाइम होगा ना एग्जाम का, बहुत गहरी नींद आने लगेगी। आठ अगर 8 बजे 10 बजे से एग्जाम है ना, 9 बजे से एग्जाम है, तो आपको 6 बजे और 7 बजे नींद आएगी। जब आपको 8 बजे निकल के सेंटर पर पहुंचना होगा ना, 6-7 बजे बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आपको उस टाइम पे या तो सोना ही नहीं है, सोना अगर सो लो तो आपको ऐसा इंसान को रखना है जो आपको उठा सके, तो उस दिन भी नींद नहीं आएगी। मेरे को 102 बुखार था, मैंने पूरा एग्जाम अपने बुखार में लिखा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग से, इन सब चीज़ों को मतलब ध्यान में रख के आपको देखना है कि कैसे, मतलब ये सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो आप हाँ ये मॉक टेस्ट करते हो, इसमें आपको नंबर कैसे एस्टिमेट होगा? मॉक टेस्ट देते हो, एक तो आप प्रीवियस ईयर के आपने मार्केट से खरीद लिए, आप क्या करो उसको रिटर्न, मतलब जो होते हैं ना जो मतलब पहले से प्रिंटेड मिलते हैं वो आप खरीद लो। एक होता है जो कोचिंग वाले चलाते हैं, कोचिंग वाले से क्या होगा, मैं इस चीज़ को बताना भूल गया, प्री में आप जो कोचिंग के जो मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें जो आपकी रैंक आ रही है, आप उस रैंक पे फोकस करो, नंबर से फोकस मत करो। अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, आप अच्छा कर रहे हो। अगर आपके नंबर 200 आ रहे हैं, रैंक एकदम बहुत ख़राब आ रही है, बहुत सिंपल पेपर सेट कर रहे हैं, रैंक से आप मतलब नंबर से आपको मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है तो केवल और केवल आपकी रैंक से मतलब रखना है। और आपको ट्राई करना है कि अगर मेरी रैंक इस बार 300 आई है, तो अगली बार मेरी 290 आए, अगली बार 280 आए, अगली बार 250 आए, अगली बार 200 आए। तो रैंक इंप्रूवमेंट में अपन को ध्यान देना है, ठीक है। मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, अगर मार्क्स तो वो डिपेंड करता है ना, पेपर कैसा सेट हुआ। पेपर अगर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, सिंपल आएगा सबके लिए सिंपल आएगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको रैंक इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। मेरे जी में भी आपको सेम काम करना है। मेरे जी में मैं आपको बताता हूँ, ये सब ये जो नंबर आया ना 497, मेरे मेडिजी में मैंने उस टाइम पे फुल टेस्ट ज़्यादा थे नहीं कोविड की वजह से, मैंने एक टेस्ट में मेडिजी में 503 स्कोर किया था शायद आउट ऑफ 600, और एक में शायद 520 समथिंग, 520 या 525 स्कोर किया था 600 में से दोनों पेपर बता मिला के। तो ये जो चीज़ है ना, आप जो मॉक दोगे मेडिजी में, यहाँ पे जो आपको क्यू कैम में असलियत में जो आपकी जो कॉपी चेक होंगी, उससे जो रैंक बनेगी उसी के लमसम आपकी रैंक बनने वाली है एक्चुअल एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेरी 1000 रैंक आ रही है लेकिन मैं मेंस में वहाँ पे फोड़ दूंगा, वहाँ पे मेरा 100 रैंक आएगी, 50 रैंक आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। जो यहाँ रैंक आ रही है ना, वो यहाँ पे मेरी इन एग्जाम में फर्स्ट फर्स्ट रैंक आई थी, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे थे। तो इससे आपको पता चलेगा कि मतलब किस तरीके से मेरी कितनी रैंक आने वाली है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आपको रैंक इंप्रूवमेंट में देखना है, और रैंक को इग्नोर नहीं करना है कि यार आप कोई फन्ने का नहीं हो, कोई 30 मार्क का नहीं हो, आप भी सब लोगों की तरह हो, और यहाँ पे वही बच्चे हैं जो एक्चुअल एग्जाम में बैठने वाले हैं। अगर आपकी यहाँ रैंक नहीं आ पा रही तो वहाँ भी रैंक नहीं आ पाएगी। तो यहाँ रैंक पे इंप्रूवमेंट पे काम करने की कोशिश करो, वहाँ पे आराम से आपकी सेम रैंक आएगी। गेट में तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, गेट में अगर आपने मेडिजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो आपकी जो रैंक आपकी मेडिजी उसमें आती है ना, उसके प्लस माइनस 5% में, अगर 50 रैंक आती है, जो मैंने दोस्त का मेंशन किया था उसकी 50 रैंक आई थी, उसकी वही रहती थी, 45, कभी 40, कभी 60, कभी 70, कभी 30, उसी रेंज में रहती थी हमेशा। तो जो आपकी मेडिजी में टेस्ट सीरीज में रैंक आ रही है ना, वही सेम आपकी रैंक गेट में भी आने वाली है, वही सेम उसी तरीके की आपकी रैंक वहाँ पर डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इस रैंक पर आपको बहुत फोकस करना है, ये आपकी रैंक कैसे परफॉर्म कर रही है, मार्क्स में नहीं, रैंक पर मतलब देखना है आपको। मिस्टेक्स हो, कम नंबर आए और रैंक अच्छी आए, बहुत अच्छी बात है, कम नंबर पर रैंक अच्छी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पेपर टफ सेट मिला है, आपको बहुत सारा कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने का तरीका बता दिया, फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन पहले, उसके बाद पहले तीन में से एक, दूसरे तीन में से एक, और अगले मतलब चार बचेंगे उनमें से एक। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आपको जो स्ट्रेटेजी शूट करे आप वो फॉलो कर सकते हैं, कोई ऐसे इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है कि ऐसा करोगे तो अभी रिजल्ट मिलेगा, ऐसा करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। मैंने और ये आप स्टार्टिंग में दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी शूट करती है, ठीक है। मेरे लिए ये स्ट्रेटेजी शूट करी क्योंकि मेरे को सारा सिलेबस मेरे को ज़्यादा पता था, तो मेरे को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं एक गो में मैं सारे कुछ कर दिया करता था, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे आपका हो गया मेंस, ठीक है। मेंस में वो लगभग 3 गुने बच्चे बनाते हैं, 3 गुने में से बच्चे छटके जाएंगे, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ जिसने मेंस में ये सब कर लिया ना, वो कोई भी एग्ज़ाम देने जाएगा, किसी भी स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर का देने जाएगा, कुछ भी देने जाएगा, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेगा।